हेलो एवरीबॉडी, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. आई होप यू ऑल कैन क्लियरली हियर माई वॉइस. सभी को बहुत बहुत नमस्कार. लेट अस स्टार्ट ऑफ विद द सेशन फॉर द डे. पहले चेक कर लेते हैं कि क्या सभी को आवाज़ क्लियरली आ रही है. लेट्स चेक इफ यू ऑल कैन क्लियरली हियर माई वॉइस. राइट, सो इज द सेशन लाइव वर्किंग करेक्टली? हैविंग अ लुक. वेट फॉर अ मिनट बिफोर वी स्टार्ट ऑफ विद द सेशन. I think it should very shortly, very very shortly. Today's session for the day is going to be on concave and convex lenses, right? A very amazing topic. बहुत ही प्यारा शानदार टॉपिक है कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंसेज. आइए शुरू करते हैं क्लास को. लेट्स बिगिन विद अ सेशन फॉर द डे. एक बहुत ही रोचक सेशन होने वाला है, ठीक है, क्योंकि हम लोग इसमें बहुत सारी चीज़ें बेसिक से सीखने वाले हैं. अब ना, फर्स्ट बिफोर आई स्टार्ट ऑफ विथ एनी थिंग, हम सभी लोग जानते हैं, ऑल ऑफ अस नो, कि लेंस एक ऐसा टूल है, एक ऐसा मीडियम है जिसके ज़रिए आप दुनिया को देखते हो, जिसके ज़रिए आप काफ़ी सारे अंतरिक्ष में तारा ग्रहों को देखते हो. यू वॉच दी कॉस्मॉस थ्रू अ मीडियम एंड दैट मीडियम इज़ लेंस. यू वॉच दिस वर्ल्ड थ्रू अ मीडियम एंड दैट मीडियम इज़ लेंस, है ना. इन्हीं लेंसेज के बारे में वी आर गोइंग टू स्टडी इन द सेशन फॉर द डे. आज के सेशन के दौरान हम इन्हीं लेंसेज का डिस्कशन करने जा रहे हैं. शुरुआत करते हैं आज के सेशन की. एवरीवन, है ना, टॉपिक लिख लेना अपनी अपनी कॉपीज में. याद रखो, जब भी मेरे साथ बैठते हो, जब भी खुशवंत पतनानी सर के साथ बैठते हो, एक चीज़, इनफैक्ट दो चीज़ें क्लास में हमेशा तुम्हारे पास होनी चाहिए. एक तुम्हारी कॉपी और दूसरा तुम्हारी पेन या पेंसिल. हो सके तो दो कलर की पेन का यूज़ करो इन ऑर्डर टू मेक दीज अमेजिंग नोट्स दैट वी आर गोइंग टू बिल्ड टूडे ऑन वर्ड्स. यस, फॉर दिस सेशन आओ शुरू करते हैं, है ना. तो हमने क्या देखा, लेंस अपने आप में एक ऐसा मीडियम है जिसके ज़रिए आप तारा ग्रहों को देखते हो. अच्छा, तुम लोगों ने देखा है कि नहीं, टेलीस्कोप के ज़रिए, राइट. काफ़ी सारे बच्चे होते हैं आजकल, तो इनफैक्ट काफ़ी सारे बच्चे भी ये काम कर रहे हैं, टेलीस्कोप के ज़रिए लोग यूनिवर्स को ऑब्जर्व करते हैं. डू यू ऑल नो दिस और नॉट? आकाश में विद्यमान, राइट, ऑल द स्टार्स एंड प्लैनेट्स विच आर देयर इन द स्काई, हम सभी लोग इसको ऑब्जर्व करते हैं. यहाँ पर एक पॉइंटर होता है जिसे कहते हैं आई पीस, है ना, आई पीस. और वैसे ही, यस, वैसे ही कुछ आप यहां भी देखते हो ऑन द अदर साइड, ऑन द अदर साइड. इसे कहते हैं द साइड विच इज टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, राइट. तो देर आर टू पार्ट्स ऑफ इट, एक यहां पर एक लेंस लगा होता है, वैसे एक यहां पर लेंस लगा होता है. ऐसे तुम लोगों ने देखा होगा, इफ यू हैव बीन टू सोनार की दुकान, इफ यू हैव बीन टू प्लेसेस वेयर माइन्यूट इन्वेस्टिगेशन नीड्स टू बी डन, मतलब एक छोटे स्केल पे, है ना, बहुत सारी चीजें जब आपको ऑब्जर्व करनी होती है तो मैग्नीफाइंग ग्लासेस जो यूज होते हैं, है ना, जो किसी भी छोटी सी चीज को, फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एंट है और आप उस एंट को ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, एक छोटा सा एंट है एंड यू आर ऑब्जर्विंग दैट एंट, तो ऐसे केस में भी क्या होता है, यहाँ से जो इमेज निकल के आती है दैट इज मच मच लार्जर इन शेप एंड साइज. यस, सही कह रहा हूँ, है ना. तो कुछ यही फंडा क्या करता है, मैग्नीफाइंग लेंस इसी का काम करता है. तो चाहे हम बात करें टेलीस्कोप की, ईदर यू टॉक अबाउट अ टेलीस्कोप और यू टॉक अबाउट एंट्स या फिर मिनी वर्ल्ड, माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को या मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को ऑब्जर्व करना है तो लेंसेज का यूज होता है, ठीक है. कहीं पर भी ऐसा लगे ना, आपको कुछ डिस्कशन करना है, डाउट पूछना है, फील फ्री टू शूट दैट इन दी कमेंट सेक्शन. लाइव चैट ऑन किया हुआ है हम लोगों ने, राइट, ताकि आप इंटरेक्शन कर सको. चलो, लिखा सभी ने, यस. सो मैग्नीफाइंग ग्लास. Let's write this here for all of you to note it down. कई बार इसको मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं, मैग्नीफाइंग लेंस भी कहते हैं कई जगह. ये तो मैंने आपको सिर्फ दो सिंपल से एग्जाम्पल दिए जो अपने आसपास आपने सुने होंगे. देर आर मेनी मोर अदर एग्जाम्पल्स ऑफ लेंसेज या एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज विच आर देयर इन द वर्ल्ड अराउंड अस, है ना. और भी बहुत सारी चीज़ें देखते जाएंगे.
दो तरह के मेजर लेंसेज डिफाइन किए गए हैं, ऑल दो देर आर मैनी राइट, बट दो तरह के मेजर, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स. और खासकर जिनकी हम बात कर रहे हैं वो बाय कॉनकेव और बाय कॉन्वेक्स है, यानी कि उनके दोनों तरफ का जो शेप और स्ट्रक्चर है वो एक जैसा है. साक्षी वाक कह रही है, हेलो सर, हेलो साक्षी, वेलकम टू द सेशन. यस, तो एवरीबॉडी हेडिंग देना है ना, वी गोइंग टू सी बोथ काइंड ऑफ लेंसेज टुडे, कॉनकेव एज वेल एज कॉन्वेक्स. आपके क्लास 11th के सिलेबस में दोनों चीज़ें हैं और दोनों ही अपन बहुत अच्छे से देखने वाले हैं. हेडिंग लिख लेना एवरीबॉडी, कॉनकेव एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंसेज. यस, चलो एवरीबॉडी लेट्स गेट गोइंग. कॉनकेव एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंसेज. डन एवरीबॉडी, बहुत प्यारे ढंग से नोट्स बनाते जाओ. बहुत सारी चीज़ें आज अपन ने पढ़नी है. अपन रे डायग्राम्स भी देख रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे क्लास 9th और 10th स्टैंडर्ड में आप लोग रे डायग्राम्स देखते हो राइट. तो अपन कोशिश करेंगे आज की क्लास में अपन बहुत सारे रे डायग्राम्स भी बनाएं, है ना. ये लिख लिया सभी लोगों ने, है ना. जिस कॉन्वेक्स लेंस की यहाँ पे मैं बात करने जा रहा हूँ, याद रखना दैट इज अ बाई कॉन्वेक्स लेंस. इस तरह से यस लिख लो जल्दी से. डन डन आर डन, वेरी गुड. और वैसे ही दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस राइट, आई शुड हैव मेड इट देयर. और उसी तरह से हम यहां बनाने जा रहे हैं कॉनकेव लेंस. और जिस कॉनकेव लेंस की हम यहां बात कर रहे हैं, इट्स अ बाय कॉनकेव लेंस, ठीक है. यस, चलो एवरीबॉडी गेट गोइंग. Be very precise in our diagrams. ठीक है, डन एवरीबॉडी. सिंपल डायग्राम. अभी कुछ रूल्स पढ़ते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड सर्टन रूल्स फॉर मेकिंग द डायग्राम्स ऑफ लेंसेज. और काफी सारी और भी बहुत बहुत प्यारी प्यारी चीजें. लेट्स सी देम वन बाय वन, ठीक है. इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज लिख लो जरा एवरीबॉडी. इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज, ठीक है. सबसे पहला रूल जो आप लोगों को याद रखना है और सीखना है, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, ये कॉन्वर्जिंग नेचर का होता है. और उससे भी पहले यहाँ पर लेट्स राइट रूल्स, लेट्स राइट रूल्स, रूल्स फॉर रे डायग्राम्स ऑफ लेंसेज, रे डायग्राम्स ऑफ लेंसेज. डन एवरीबॉडी. यस, चलो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीजें देखते हैं. सबसे पहला रूल, ठीक है, मैं ना यहाँ कोशिश करूंगा दोनों तरफ, आई विल बी मेकिंग डायग्राम्स राइट, सो दैट बोथ डायग्राम्स आर यूजफुल टू यू ऑल. वन मिनट, डू आई हैव अनदर मीडियम फॉर ऑल ऑफ यू? वन गुड मीडियम इज आई कैन, वन मिनट है ना एवरीबॉडी, जस्ट वन मिनट. आई वॉन्ट टू यूज अ स्केल एंड हियर फॉर द सेम आई विल बी यूजिंग वन नोट इफ पॉसिबल. Yes, I think it will work. Yes. Yes, yes, yes. So working with this right now, let's work on this because here I think I'll get the options for scale too. And we'll make this in a ruler format so that we'll have scaled based paper. Can you all see the scales on the screen, everybody? Let me know if yes. And also I'll try to make it a full screen window. All right, super. I think this is a good view and we all are able to see it properly, right? Chalo, great, excellent. All right, hi Sakshi, welcome to the session. Great. Acha, view ekdam clear hai na? Chalo, let's begin. अभी आई वॉज टेलिंग यू ऑल अबाउट द डिफरेंट रूल्स ऑफ मेकिंग, डिफरेंट रूल्स ऑफ मेकिंग द रे डायग्राम्स. तो यहाँ पे हेडिंग देना एवरीबॉडी, डिफरेंट रूल्स ऑफ मेकिंग द रे डायग्राम्स, ठीक है. गिव द हेडिंग, रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम्स.
ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। और अगर आप क्लास 11th और 12th में हो या 9th 10th स्टैंडर्ड में भी हो, दोनों जगह ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है और कई सारे कॉन्सेप्ट्स को सीखने के लिए फंडामेंटल का काम करती है। तो सबसे पहले एक बात लिखो एवरीबॉडी, रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू द फोकस। पता है कई बच्चों के मन में ये भी सवाल आता है कि सर जब सब कुछ बुकों में लिखा ही हुआ है, किताब में लिखा ही हुआ है, तो हम क्यों लिखें? अरे भैया, क्योंकि जब तुम लिखोगे तभी तुम्हें याद होना है। जल्दी से लिखो, रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू फोकस, पास थ्रू फोकस। डन। अभी इसका एक एग्जाम्पल देखो, ठीक है? दोनों में देखते हैं, कॉनकेव में भी और कॉन्वेक्स में भी। लेट्स सी दिस हियर। राइट। हेलो आदित्य, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू द सेशन। ऑल राइट, बना लिया क्या सभी ने? डायग्राम्स बनाते जाओ फटाफट। यस, अब यहाँ पर बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस कुछ इस तरह से है ना, मैं यही डायग्राम्स चाह रहा था, तो अभी उसका अपना सपना पूरा हो गया। अभी कोई एक्सिस है, ठीक है, या कोई रे है फॉर एग्जाम्पल, वो पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के कुछ इस तरह से। लेट्स मेक द रे ओवर हियर, ऐसा कुछ, ठीक है? तो अब दिस रे इज गोइंग टू पास थ्रू द फोकस, ऐसा कुछ। यहाँ देखना एवरीबॉडी, लेट्स मेक वन मोर। लेट्स अज्यूम दिस इज द फोकस, तो ये यहां से पास कर जाए। क्या पॉइंटर क्लियर हो रहा है सभी को? आई थिंक द बेसिक लॉजिक इज क्लियर है ना। ऐसा ही कुछ, ऐसा ही कुछ कॉनकेव के साथ भी होता है, लेकिन देखना वहां पे क्या होता है, ठीक है? ये तो कॉन्वेक्स का डायग्राम हो गया। डायग्राम्स के साथ लिखते जाओ कौन कौन से लेंसेज के लिए हम ये डायग्राम्स बना रहे हैं, ठीक है? अभी यही काम कॉनकेव के लिए करते हैं। राइट, तो डायग्राम बना लेना और बहुत आराम आराम से बनाना, ठीक है? मतलब मेक डायग्राम्स वेरी ब्यूटीफुल इन योर बुक्स। यहाँ पर तो आई एम ड्रॉइंग इट ऑन द स्क्रीन, देर माइट बी सम हैजल्स। कोशिश करना एकदम प्यारे, एकदम नीट, एकदम शानदार, वेल ऑर्गेनाइज डायग्राम्स बनाना, सो दैट यू विल लव योर वर्क लेटर, ठीक है? हो गया क्या? जल्दी से बताओ एवरीबॉडी, आर वी ऑल डन? यस। ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस है ना, और वैसे ही इसमें भी हमने क्या किया, यहाँ पर क्या बनाना है जल्दी बताओ? एक पैरेलल रे। लेकिन सेकेंड केस में जो मैंने बनाया है ना, इसको अपन कहते हैं कॉनकेव लेंस। क्या कहते हैं जल्दी बताओ? कॉनकेव लेंस। कॉनकेव और कॉन्वेक्स में यही फर्क है। कॉनकेव काम करता है, कॉनकेव काम कॉन्वेक्स काम करता है कॉन्वर्ज करने का, कॉन्वेक्स लेंस काम करता है डाइवर्ज करने का, कॉन्वेक्स लेंस काम करता है डाइवर्ज करने का, इसीलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस भी लिखते हैं। एवरीबॉडी हेडिंग दे देना, डाइवर्जिंग लेंस। आई रिपीट, कॉनकेव काम करता है कॉन्वर्ज करने का, सॉरी कॉन्वेक्स काम करता है कॉन्वर्ज करने का, ठीक है? वेर एज कॉन्वेक्स का काम एकदम उलट है, ठीक है? लिख लो जल्दी से एवरीबॉडी। अब यहाँ डाइवर्ज होने वाला है। डाइवर्ज मतलब रे ऐसे जाने वाली, देखो एवरीबॉडी, रे ऐसी जाने वाली है। सर इसका मतलब तो ये फोकस से पास नहीं हुआ, देखना होगा अभी, पहले जल्दी से बनाओ। पता है क्या करने वाले? यहाँ पे हम एक्सटेंड कर देंगे रेस को, ऐसा डिग 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 डिग, और ये रहा फोकस। ओ हाँ, तो कॉन्वेक्स के केस में, और मैंने कॉनकेव लिख दिया यार, एक मिनट एवरीबॉडी, यस कॉनकेव है भैया, ये कॉनकेव है। कॉन्वेक्स के केस में एक्चुअली कॉन्वर्ज हो जाती है रेस एंड पासेस थ्रू द फोकस। कॉनकेव के केस में उल्टा होता है, यहाँ होती तो डाइवर्ज है लेकिन इट अपियर्स एज इफ इट इज कमिंग फ्रॉम द फोकस। क्या ये बात क्लियर हो रही है? दोबारा से पढ़ते हैं, हम आज की क्लास में देख रहे हैं रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम्स। पहली बात जो हम लोगों ने समझनी है कि कभी भी कोई रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है तो वो फोकस से पास हो जाएगी, लेकिन ऐसा किसके लिए हो रहा है? ऐसा कॉन्वेक्स के लिए हो रहा है। सर कॉनकेव के लिए क्या होगा? कॉनकेव के लिए डाइवर्ज हो जाएगी लेकिन ऐसा लगेगा कि ये फोकस से आ रही है। इज दिस लॉजिक, इज दिस पॉइंटर क्लियर टू एवरीबॉडी? बहुत ही सिंपल पॉइंटर है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एवरीबॉडी, आर वी क्लियर ऑन बोथ ऑफ दीज पॉइंट्स? आई वॉन्ट टू सी अ येस सर ऑन द स्क्रीन। अगर हाँ तो अगले सवाल पे बढ़ते हैं जल्दी से फटाफट। एवरीबॉडी डन? एवरी वन? चलो सुपर, एक्सेलेंट। पॉइंटर पे बढ़े अगले? चलो सुपर, आई स्क्रोल द स्क्रीन डाउनवर्ड्स एंड हियर वी गो।
टू द नेक्स्ट पार्ट. ये लिख लिया ना सभी ने? चलो सुपर. अगले पॉइंट को देखते हैं एवरीबॉडी. सेकेंड पॉइंटर लिखो, ठीक है? राइट डाउन द सेकेंड पॉइंटर. सेकेंड पॉइंट इज अ रे पासिंग थ्रू या रे कमिंग टू ऑप्टिकल सेंटर विल पास एज इट इज. हैंड राइटिंग अगर सब कुछ क्लियर है ना, कहीं पर भी कुछ लगे तो डू शेयर योर व्यूज, राइट एवरीबॉडी. चलो सुपर एक्सीलेंट. यहां देखो एवरीबॉडी, ठीक है? अभी ना इसका मतलब क्या है, सबसे पहले ऑप्टिकल सेंटर को समझ लेते हैं. किसी भी लेंस के अंदर जैसे हमारे पास मिरर्स में पोल होता था ना, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर होता है. मुझसे कई बार प्लस क्लास में ना कई बच्चों ने पूछा था कि सर ये ऑप्टिकल सेंटर बोल सकते हैं क्या पोल को? आंसर है नहीं. पोल इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मिरर, जबकि ऑप्टिकल सेंटर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अ लेंस. क्या बात समझ में आ रही है एवरीबॉडी? लिख लो जल्दी से अपनी अपनी कॉपीज के अंदर. पहले दोनों डायग्राम्स यहाँ बना लेते हैं, ठीक है? I am again saying my hands might be shaking while drawing this diagram. So, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपने डायग्राम्स को बहुत ही प्यारा और रोचक बनाना. तो कोशिश करो बहुत ही गजब के डायग्राम्स बनाने की. I'll try to try the same here. ठीक है, कोशिश करते हैं कि अपन बहुत प्यारे डायग्राम्स बना सके. देखना हाँ क्या करने वाला हूँ मैं, बहुत ध्यान से देखना, राइट? आई एम गोइंग टू ड्रॉ टू सर्कल्स ऐसा, ठीक है, कॉन्वेक्स बनाने के लिए, और बाकी का सब कुछ रब कर दिया ऐसा, समथिंग लाइक दिस. क्या समझ पा रहे हो कैसे स्फेरिकल सर्फेसिस से ही बनाए जाते हैं? इसीलिए इनको स्फेरिकल मिरर्स बोलते हैं. क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा एक और चीज़ करते हैं, ठीक है? अभी कॉनकेव बनाते हैं सेम लॉजिक से. ये बनाया एक सरफेस, ठीक है, और वैसा ही बनाया एक और सरफेस. यस आयुष कह रहा है सर आज मेरा पेपर था और केपलर लॉ मैंने छोड़ दिया. अरे केपलर लॉ तो मैंने कराया हुआ है क्लास में, ऐसा कैसे भैया हैं? केपलर लॉ कैसे छोड़ के आ गए? बहुत इंपॉर्टेंट है वो तो, और बहुत बार कराया है मैंने ग्रेविटेशन में. पूछ लो बच्चों से, एक बार नहीं, मैंने जितने बार क्लासेस लिया उतने बार कराया. इनफैक्ट तुम्हारे 10th स्टैंडर्ड के जब अभी आया था ना कि एग्जाम्स होने वाले हैं एंट्रेंस के, तो उसमें भी मैंने केपलर्स लॉ कराया था. इजी था ना? काय को करते हो ऐसी गलती, महान लोग. इतनी मेहनत करो फिर बोलते हैं सर हम छोड़ के आ गए. कोई बात नहीं, ऐसे ही तो सीखते हैं हम लोग, है ना? कोई बात नहीं, इट्स ओके. मैं मस्ती कर रहा हूँ, डोंट वरी. सीखते रहना, यही तो तरीका है लाइफ में, गलतियाँ करो और सीखते जाओ. अच्छा तुम लोग समझे कि नहीं मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ, इतनी तामझाम क्यों कर रहा हूँ मैं यहाँ पे तुम्ही लोगों के लिए कर रहा हूँ, आप लोग सीख सको कि स्फेरिकल मिरर्स क्यों कहते हैं, राइट? देख रहे हो मैंने स्फीयर्स के जरिए दोनों सर्फेसिस बनाए और उनको बाकी के सर्फेस को हटा दिया. क्या ये सभी को क्लियर है यहाँ मैंने क्या किया? एवरीबॉडी है ना, छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं. आदित्य कहता है सर माई डाउट. अरे 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 आदित्य ने कुछ लिखा. अच्छा बाय द वे वेलकम एवरीबॉडी टू द सेशन. आई होप यू आर एबल टू सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन ओवर हियर. लेंसेज अपने आप में स्फेरिकल सर्फेसिस से निकले हुए कहे जाते हैं, है ना? तो अभी आपको समझना है कि कैसे, वो बताने के लिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर जो भी तामझाम किया था किया था, राइट? ये क्लियर है ना सभी को? आदित्य ने एक सवाल पूछा, जब तक ये डायग्राम फटाफट बनाओ और ऐसे ही बनाना जैसे मैंने बनाया. बाकी को तुम पता है क्या कर सकते हो, ऐसे करके बाकी के सरफेस को ऐसे डॉटेड फॉर्म में दिखा सकते हो, ताकि आप ये समझ सको कि लेंस अपने आप में स्फेरिकल सरफेस का हिस्सा है. या एक ग्लास का आपने बॉल ले लिया, उस बॉल के छोटे से सरफेस को कट करके इसको बनाया है. क्या ये बात समझ में आ रही है एवरीबॉडी? इसीलिए स्फेरिकल सरफेसेस से निकाले गए हैं ऐसा कहा जाता है. यस जल्दी से लिख लो फटाफट एवरीवन. आई एम रीडिंग द कमेंट्स. आदित्य कह रहा है कि सर इन पैराबॉलिक मिरर फोकस बिकम्स इक्विडिस्टेंट टू बोथ द पैरलेक्सियल एंड द नॉन पैरलेक्सियल रेज एंड हेंस द रेज दैट वर लाइंग नियर द पोल इन द स्फेरिकल मिरर स्टार्ट्स टू कॉन्वर्ज एट द फोकस. क्या बात है आदित्य, एकदम जबरदस्त होमवर्क करके लाया. पता है इसका रीजन क्या है? अभी ना हमारी क्लास के अंदर जो प्लस की क्लास है ना, उसमें हम लोगों ने कल मैंने एक रीजन दिया था बच्चों को कि स्फेरिकल एब्रेशन करके एक एरर होता है, ठीक है? और उसमें उसका सॉल्यूशन है पैराबॉलिक मिरर को यूज करना. तो आदित्य ने उसका इंटरनेट पे बहुत अच्छे से सर्च किया एंड ही हैज कम अप विद द राइट आंसर. वेरी गुड, रियली रियली अप्रिशिएटेड. यही रीजन है ना जिसकी वजह से, क्योंकि क्या होता है किसी भी पैराबोला के अंदर, जस्ट गोइंग ऑफ टॉपिक फॉर अ मिनट, राइट? यहाँ देखना, तुम लोगों ने क्लास 9 10th में पैराबोला के बारे में पढ़ा है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है. तो अभी
पैराबोला यही होता है, कोई एक पॉइंट से अगर सारे, कोई एक लाइन, आई रिपीट, कोई एक पॉइंट से अगर एक लाइन और कोई एक कर्व दोनों के दोनों इक्विडिस्टेंट हो तो उसको अपन पैराबोला कहते हैं। आई टीच अबाउट इट इन द कमिंग प्लस क्लास। अभी बताया ना तो बहुत सारे बच्चों का पॉइंटर मिस हो जाएगा, राइट? तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ पैराबोला, राइट? एक लाइन और गिवन क्रॉस, गिवन पॉइंट से वो इक्विडिस्टेंट होता है, जिसकी वजह से पैराबोला की, इनफैक्ट वही डेफिनेशन होती है, जिसकी वजह से पैराबोला मिरर यूज करने से स्फेरिकल एब्रेशन का एरर हट जाता है। वील डिस्कस इन दी प्लस क्लास, याद दिलाना आदित्य, राइट? वेरी गुड, रियली अप्रिशिएटेड यार, आदित्य के लिए जोरदार तालियां हो जाए एवरीबॉडी। और आयुष कोई बात नहीं, अगर केपलर लॉ छूट गया एग्जाम में चलता है, राइट? लेकिन इन गलतियों से सीखते चले जाना है, ठीक है? कोई बात नहीं, इट्स ओके। अच्छा आयुष क्लास 10th में है, ओके, मतलब आयुष ने मुझसे नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं आयुष, इट्स ओके, राइट? सर फ्री वाला कोड क्या है? फ्री वाला कोड देखो, मेरा अनअकैडमी का कोड है, आई लेट यू ऑल नो, दिस इज माई अनअकैडमी का कोड, राइट? KF लाइव। तो इन केस यू आर आस्किंग फॉर दिस वन, दिस इज द कोड, राइट? KF लाइव आप लोगों के सामने बड़ा बड़ा लिख दें, देख लो भैया, ठीक है? ये मेरा अनअकैडमी का कोड है आयुष, अगर आप पूछ रहे हो तो, राइट? विच विल लैंड अप और लैंड यू इन 10% डिस्काउंट ऑन द टोटल सब्सक्रिप्शन, ठीक है? कूल, आगे बढ़ें क्या एवरीबॉडी? यार जल्दी करो, तुम मेरे से पता है आज तक किसी बच्चे ने कोड नहीं मांगा अलग से, पहली बार हो रहा है ये। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं एवरीबॉडी, यस, चलो फटाफट से लेट्स गेट टू द क्वेश्चंस बैक, ठीक है? यहाँ तक सबको क्लियर था ना? अब हमने क्या करना है, क्या करना है जल्दी बताओ। अब यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करो, लेंस बनाने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस बनाने का, ठीक है? तो यहाँ हमने बना लेनी है बड़ी प्यारी सी प्रिंसिपल एक्सिस। जानते हो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस इज द लाइन जो कि उस लेंस को दो इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती है, अपर हाफ और लोअर हाफ। बात क्लियर है क्या प्यारे बच्चों? जल्दी बोलो, यस सर हमने पढ़ा हुआ है, अगर पढ़ा हुआ है तो भैया फटाफट बनाओ फिर, राइट? अच्छा ये पॉइंटर देखना, द सेंट्रल पॉइंटर कहलाता है, ये वाला पॉइंट कहलाता है ऑप्टिकल सेंटर, इसको जनरली ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको लिख लेना यहाँ पे एवरीबॉडी, ओ इज द ऑप्टिकल सेंटर, ओ इज द ऑप्टिकल सेंटर, लिख लिया सभी ने एवरीबॉडी? यस, लिख लो जल्दी से। चरण प्रीत कह रहे हैं सर 9th में हूँ, कुछ समझ नहीं आता फिर भी मजा आ रहा है। वाह वाह वाह, 9th वाले बच्चे बोलते हैं सर मजा आ रहा है, मजे के लिए पढ़ रहे हो तुम लोग यार, ये ऐसे ही तो हम आगे बढ़ते हैं मनप्रीत। पहले पहले मजा आता है, फिर धीरे धीरे सब समझ में आने लगता है, क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए यार ऐसे एंथुजियाज्म पे। यस, यहीं से एक्चुअल शुरुआत होती है, अगर हम मेहनत, कई बार मेहनत भी ना मजे के कारण होती है, मजा आता है उसकी वजह से हम मेहनत करने लगते हैं। वेरी गुड, रियली अप्रिशिएटेड दैट। चलो फटाफट लिख लो इसको जल्दी से, है ना, लिख लो, डायग्राम बना लो फटाफट से। क्या कहा हमने? रेज जो ऑप्टिकल सेंटर पर आ रही है वो ऑप्टिकल सेंटर से ही पास हो जाएगी। तो अभी हमने यहाँ क्या देखना है, देखो देखो जल्दी देखो, ये वाली वो रे है जो आई है, ठीक है? दिस इज द अप्रोचिंग रे एंड दिस इज द रे जो ऑप्टिकल सेंटर से जस्ट के तस पास हो गई। बताओ ये पॉइंट क्लियर है क्या सभी को? डायग्राम से ये जो पॉइंट अपन ने लिखा इलस्ट्रेट हो गया एकदम प्यारे ढंग से एवरीबॉडी, यस कूल, लिखा सभी ने एवरीबॉडी, यस। एक और पॉइंटर देखें, एक और पॉइंटर देखें, अगला पॉइंटर यहां लिखो जल्दी से एवरीवन। सेम काम, कुछ कुछ ऐसा ही काम हमारे साथ इसके लिए भी होने वाला है, इसमें भी ऐसे डायग्राम्स बना लो जल्दी से। सेम यहां से रे आएगी और जस्ट की तस निकल जाएगी ऐसा, यस। मतलब कोई भी चेंज नहीं इन द पाथ ऑफ द रे, जैसे आई वैसे निकल गई। क्या लॉजिक क्लियर है सभी को एवरीवन? नेक्स्ट पॉइंटर देखें फटाफट, यस, चलो सुपर इजी है, लॉ क्लियर है, लेंस के लिए कैसे अपन को डायग्राम्स बनाने, अगला बनाते हैं चलो। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लॉस, देख जो देख लो, कई बच्चों को पता नहीं होता, राइट? फिर लगता है अरे यार सर हमने देखा नहीं था, आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है? चलो सुपर, एक्सेलेंट एक्सेलेंट। थर्ड वाला लॉ लिखना एवरीबॉडी, थर्ड लॉ लिखना, यस लिखो एवरीवन। कोई रे जैसे अपन ने देखा ना जो पैरेलल थी वो प्रिंसिपल एक्सिस से पास कर गई, तो जो फोकस से पास करती है वो पैरेलल हो जाती है। लिखो रेज पासिंग थ्रू फोकस या रेज थ्रू फोकस बिकम पैरेलल। बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस।
लिखा गया सभी ने एवरीबॉडी अच्छा पता है प्रिंसिपल एक्सेस में उस दिन मेरी प्लस की क्लास में मैंने PLE लिख दिया था, तो मेरे बच्चे ने बोला सर आप PAL लिख लिए सर, हमारी अन अकेडमी में आपके ग्रामर के सेशंस में होने लगे, स्पेलिंग में हम अब मिस्टेक नहीं करते हैं। तो इसी बात पे देर इज़ अ न्यू न्यूज़ कि अन अकेडमी पर अब इंग्लिश भी आ चुका है एज अ सब्जेक्ट, तो मेक श्योर करना इफ़ यू आर अ पार्ट ऑफ द प्लस सब्सक्राइबी राइट, तो इंग्लिश के सेशंस को ज़रूर सीखना एंड कीप लर्निंग, है ना, कीप लर्निंग। छोटी छोटी जगहों पर देर इज़ अ लॉट दैट वी ऑल कैन लर्न, इवॉल्व एंड कीप ग्रोइंग। डायग्राम बना लिया क्या सभी ने? यस, संभल के बनाना राइट, चलो फटाफट से, अरे जोरदार, अरे जल्दी से, अरे फटाफट, अरे बनाते जाओ, अरे रुकना नहीं। हो गया क्या एवरीबॉडी? ओके चलो ठीक है, कूल। अच्छा आयुष एक बात कह रहा है कि सर मेरा एक दोस्त 9th में फेल हो गया और फिर 10th में फेल हो गया। कोई बात नहीं आयुष, देखो ऐसा लगता है हम लोगों को आसपास देख के कई बार लगता है कि यार ये तो इतना कुछ ज़्यादा नहीं कर पाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में पता है चीज़ें कई बार उलट हो जाती है। जो बच्चे क्लास में कई बार कम अच्छा परफॉर्म करते हैं ना स्कूल में, आगे चल के वो लोग बहुत बड़े बाजीगर बन जाते हैं। यू नेवर नो हाउ आर पीपल गोइंग टू परफॉर्म इन द डेज टू कम, ठीक है? तो उनकी हेल्प करो अगर वो तुमसे हेल्प मांगते हैं तो, यस। और ऐसे ही करके लाइफ में आगे बढ़ते जाना है। जैसे देखो मैं एक बात बताता हूँ, हम लोगों ने मिरर में पढ़ा था कि हमारे पास एक ही फोकस होता है, लेंस में ना एक नहीं दो फोकस होते हैं। इसको चाहो तो एज अ नोट लिख सकते हो, आई रिपीट, लेंस में एक नहीं दो फोकस होते हैं। एक को कहते हैं हम फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, दूसरे को कहते हैं सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। आई रिपीट, लेंस में एक नहीं दो फोकस होते हैं और एक को कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और दूसरा कहलाता है सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। लिख लिया क्या हम लोगों ने एवरीबॉडी? यस यस एवरीबॉडी डन। हाय हेलो हेलो, यस लिखा गया सभी ने एवरीबॉडी। अभी इसको देखते हैं, ठीक है? रेस पासिंग थ्रू द फोकस। तो मैं एक एक करके कमेंट्स लेता हूँ बच्चों के, लेकिन पहले इसको लिख लो एवरीबॉडी। देखो, द रेस विच इज पासिंग थ्रू फोकस विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। बना लो जरा पैरेलल, यस कुछ ऐसा। कैन यू ऑल सी दिस वेरी क्लियरली क्या हो रहा है? उसी तरह से यहाँ भी होगा, देखो रेज जो फोकस से पास कर रही हैं दे विल बिकम पैरेलल वाइल। देखना हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा अलग होगा लेकिन कुछ कुछ फंडा वैसा ही होगा, देखना ध्यान से। यहाँ पे रेज आएगी तो फोकस पर, बट फोकस तक जा नहीं पाएगी। क्यों क्यों ऐसा क्यों होगा जल्दी बताओ? क्योंकि कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस है, वो कॉन्वर्ज नहीं होने देगा, क्या करवा देगा? डाइवर्ज करवा देगा। यानी कि जो रे फोकस पे आना चाहती थी उसको स्ट्रेट कर देगा, ऐसा कुछ इस तरह से। क्या हमें बात क्लियर हो रही है एवरीबॉडी? अ रे कमिंग कमिंग लाइक दिस, बट इट वॉज अबाउट टू पास थ्रू फोकस। अभी फोकस पे गई नहीं, बट इट वॉज अबाउट टू पास थ्रू फोकस। ऐसी रे को कॉनकेव पैरेलल कर देता है। देख रहे हो दोनों में फर्क? देख रहे हो यहां पर एक्चुअली फोकस से पास होती है और पैरेलल हो जाती है, लेकिन इस केस में ऐसा लगता है कि फोकस की तरफ डायरेक्टेड है, लेकिन आफ्टर द रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस वो पैरेलल हो जाती है। क्या ये लॉजिक, ये फंडामेंटल हम लोगों को क्लियर है एवरीबॉडी? देख रहे हो हर केस में ऐसा ही हो रहा है। जो इसके पहले के दो केसेस अपन ने लिए वहां पर भी लगभग लगभग यही फिनोमेना होल्ड कर रहा था। यहां पर भी रे एक्चुअली फोकस से पास नहीं करती है, ऐसा लगता है जैसे कि फोकस से आ रही है। यस, कि ये लॉजिक सभी लोगों को क्लियर है एवरीबॉडी? पक्का ना? हर एक बच्चे को कहना हैव अ सीएलआर ऑन द स्क्रीन इफ दिस लॉजिक इज क्लियर। कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस में अपन जो डिफरेंसेस आप लोगों को बताना चाह रहे हैं अच्छे से क्लियर हो रहा है एक एक बच्चे को, लेट मी नो, इफ नॉट मैं दोबारा एक्सप्लेन करने को तैयार हूं। एवरीबॉडी गिव अ क्विक सीएलआर जैसे ही हमारा ये लिखना हो जाता है फटाफट से। यस ऑल राइट, सुपर सुपर एक्सेलेंट। जल्दी से कर लो अपनी अपनी कॉपी में सवाल को पूरा, फिर बढ़ते हैं आगे अगले पॉइंटर पे। डियर स्टूडेंट्स जल्दी से रीडिंग ऑल योर कमेंट्स एवरीबॉडी। मैंने अपना मोबाइल सामने ही रख दिया, तुम्हारे बीच बीच में कमेंट्स पढ़ रहा हूँ जब तक तुम लोग लिखते हो उस सवाल को अपनी अपनी कॉपीज के अंदर। ऑल राइट, तो आयुष कहता है कि सर मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना है तो फिजिक्स पढ़ना फिजिक्स लेना पड़ता है या बायो? बायो भी लेना पड़ेगा और मैथ्स भी? क्या देखो आयुष, ऐसा होता है आप जब अभी के लिए अभी फिलहाल राइट, अभी जो गवर्नमेंट की जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है
उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं इन द डेज एंड ईयर्स टू कम. तो आई डोंट नो, हो सकता है जब तक आप 12th को पास करो आयुष, हो सकता है ये सारे चेंजेस आ जाएं. लेकिन फॉर नाउ, राइट, फॉर नाउ क्या होता है, जब आप इंजीनियरिंग लेने वाले होते हो, आपको फिजिक्स और मैथ्स आर टू ऑफ दी सब्जेक्ट्स जो कि कंपल्सरी होते हैं, राइट. इनफैक्ट केमिस्ट्री भी, PCM. तो इफ़ यू आर प्लानिंग टू बी अ मैकेनिकल इंजीनियर या एनी अदर इंजीनियर, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आर थ्री कंपल्सरी सब्जेक्ट्स दैट यू मस्ट टेक. अगर आप बायो मेड और बायोटेक करना चाहते हो तो साथ साथ में बायोलॉजी भी कंपल्सरी हो जाता है. ठीक है, चलो आगे बढ़े. यस, एक क्विक रिपीटेशन देखना. हाँ, हम लोगों ने तीन तरह के यहाँ पे लॉज पढ़े हैं, तीन तरह के बेसिक रूल्स पढ़े हैं, राइट. क्या क्या है तीन तरह के बेसिक रूल? पहला रूल है, जो रे आपके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो कैसी हो जाती है, फोकस से पास करती है. जो पैरेलल है वो कॉनकेव के केस में ऐसे बाहर जाती है, ऐसा लगता है जैसे फोकस से आ रही है. यस, ये दोनों पॉइंटर्स अपन ने देखे. फिर उसके बाद एक और रूल पढ़ा कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से कोई रे जाती है तो वो सीधा सीधा ऑप्टिकल सेंटर से पास कर जाती है, जैसा कि अपन ने यहाँ देखा, पॉइंट नंबर टू. पॉइंट नंबर थ्री एक और पढ़ा एवरीबॉडी, है ना. पॉइंट नंबर थ्री है ये कि अगर कोई रे फोकस से पास करती है तो पैरेलल हो जाती है, ठीक. और अगर कॉनकेव वाले केस को देखोगे तो यहाँ पे फोकस की तरफ आ तो रही है लेकिन फोकस से पास नहीं कर पाती, रादर पैरेलल हो जाती है डायरेक्टली. क्या ये बात क्लियर है? क्यों? क्योंकि ये कॉनकेव लेंस है और कॉनकेव लेंस कैसा लेंस है? डाइवर्ज करने वाला लेंस है. इसका काम होता है डाइवर्ज करना. क्या बात क्लियर है एवरीबॉडी? यस. मैं बाद में सवाल लेने वाला हूँ तुम लोगों से, बनने चाहिए. हैं, गलती होगी तो फिर पूछना ज़रूर, राइट. एक एक बच्चे को क्लियर होना चाहिए, राइट. एवरी स्टूडेंट सिटिंग हियर, राइट, वॉचिंग दिस लेक्चर शुड फाइंड दिस टाइम टू बी वेरी वेरी प्रोडक्टिव, राइट. एवरीबॉडी फटाफट से लिखते जाओ और बहुत प्यारे नोट्स बनाओ अपनी अपनी कॉपी में. तुमको अपने नोट से प्यार हो जाना चाहिए. डन एवरीबॉडी? लिख लिया सभी ने? ठीक है. अभी दो तरह की इमेजेस होती हैं, ठीक है. इमेजेस के बेसिक्स देखो, ठीक है. ये तुम्हारे, तुमने 9th 10th में आई थिंक ये सारी चीज़ें पढ़ी होगी, बट स्टिल एवरीवन, ठीक है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंटर देखना, ठीक है. नेक्स्ट हेडिंग लिखना, इनफैक्ट बेसिक्स ऑफ टू टाइप्स ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड. बेसिक्स ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड यूजिंग लेंसेज, ठीक है. तो सबसे पहला, दो तरह की इमेजेस मानी गई हैं, राइट, या देखी गई हैं. फर्स्ट आर कॉल्ड एज रियल इमेजेस, लिखना जल्दी से आप सभी लोग, रियल इमेजेस. और दूसरी तरह की इमेजेस होती हैं जो कॉन्केव और कॉन्वेक्स के जरिए फॉर्म होती हैं, लेंसेज के जरिए, जो कहलाती हैं वर्चुअल इमेजेस. आई रिपीट, दो तरह की इमेजेस होती हैं, रियल एंड वर्चुअल इमेज. इनके बारे में समझते हैं और इनका फॉर्मेशन भी समझते हैं, ठीक है. पहला पॉइंट लिखना, रियल इमेजेस के अंदर, एवरीबॉडी डियर स्टूडेंट्स गेट गोइंग क्विकली. रियल इमेजेस वो होती हैं जो रेस के एक्चुअल इंटरसेक्शन से फॉर्म होती है ना. तो रेस के एक्चुअल इंटरसेक्शन से फॉर्म होती हैं. तो यहाँ पे हम जस्ट राइटिंग रेस का एक्चुअल इंटरसेक्शन. यस, रियल इमेज को फॉर्म करने के लिए. अभी अपन जब डायग्राम्स बनाएंगे, यू ऑल विल गेट इवन अ बेटर इनसाइट इनटू द टॉपिक. यस, यहाँ पे लिखना पहला पॉइंट, वर्चुअल इमेज के लिए क्या होता है. जैसे भी आप देख रहे थे ना, मैंने कॉनकेव वाले केस में ऐसा डॉट 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 करके लाइन बनाया था, तो ऐसे एक्सटेंडेड डॉट से वर्चुअल इमेजेस को बनाया जाता है, ठीक है. तो यहाँ लिखो, दीज आर फॉर्म्ड बाय एक्चुअल रेज जहां पर मौजूद है उसको एक्सटेंड करके हम वर्चुअल इमेज बनाते हैं. दिस इज इमेज फॉर्मेशन का रूल, ठीक है. लिख लो फटाफट एवरीवन, जैसे हो जाए बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं. अब मैं बहुत प्यारे पॉइंटर्स लेने वाला हूँ, बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होने वाली है. यस, लिखा सभी ने? ऑल राइट. सो आदित्य एम कह रहा है, फेलियर इज नॉट एन एंटोनिम ऑफ सक्सेस, इट इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस. क्या बात है. देखो यार, तुम लोग बहुत एकदम प्री मोटिवेटेड बच्चे हो, मुझे ऐसा लगता है, ऑल ऑफ यू, है ना, एकदम जी जान मोटिवेशन मन में भर के आते हैं. यार क्लास में आएंगे खुशवंत सर की तो अंदर मोटिवेशन रहनी चाहिए, धड़ाधड़ कोट लगाते हो तुम लोग, हैं. चलो, ये जैसी हो जाता है, W लिखना ऑन द स्क्रीन, मुझे रे डायग्राम्स देने, ठीक है. हेडिंग देना, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस. हेडिंग देना, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस. यस,
Are we all done? Give the heading image formation by convex lens. अच्छा ये सब पढ़ा है बट सीरियसली नहीं लिया था. अच्छा, अब तो सीरियसली ले लो भैया. हैं कब लेंगे हम सीरियसली? अभी नहीं तो कभी. सेकेंड पॉइंटर देना एवरीबॉडी. वर्चुअल इमेजेस को ना आप स्क्रीन पे ऑप्टेन नहीं कर सकते. दीज कैनॉट बी ऑप्टेन्ड ऑन द स्क्रीन. अगला पॉइंट ऑफ डिफरेंस लिखना. कैनॉट बी, ये दो मेजर पॉइंट्स है जो आप लोगों को हमेशा पता होने चाहिए. ठीक है, कैनॉट बी ऑप्टेन्ड ऑन द स्क्रीन. इसको स्क्रीन पे ऑप्टेन नहीं किया जा सकता. मतलब आपने स्क्रीन रखा और आपको इस पर वर्चुअल इमेज मिल जाएगी, ऐसा जनरली नहीं होता. ठीक है, अगला पॉइंटर लिख लो फटाफट से एवरीबॉडी. रियल इमेजेस को यू कैन ऑप्टेन ऑन द स्क्रीन. डन एवरीवन? यस, वंस ये हो जाए मुझे बताओ. W लिखो ऑन द स्क्रीन सो दैट वी ऑल कैन स्टार्ट मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक. थोड़ा सा पार्ट कट गया है क्या? शुड आई मूव अ लिटिल? ठीक है, डन. चलो आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट पेज एवरीबॉडी. आई होप सभी ने लिख लिया है. क्विकली जल्दी जल्दी लिखते जाओ फटाफट. अच्छा आप डायग्राम्स बनाते हैं. ठीक है, हेडिंग लिखना इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज. हेडिंग देना एवरीबॉडी इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज. यस, जैसी हो जाए हेडिंग फटाफट बताओ, आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स. यस, सबसे पहला केस बनाते हैं. ठीक है, अभी सबसे पहला केस करते हैं कॉन्वेक्स का. यस, कॉन्वेक्स का सबसे पहला केस करते हैं. हेडिंग में लिखना कॉन्वेक्स लेंस. यस, डन एवरीबॉडी. चलो सुपर, पहला लिखो है ना. वेन एवर रेज आर पैरेलल, जब भी रेज पैरेलल होती हैं और इन्फिनिटी से आ रही होती हैं, तो यहाँ पे हम देखना कैसे करेंगे. ठीक है, हर केस में हम ऐसा एक डायग्राम बनाएंगे, राइट, या एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और एक स्ट्रेट लाइन ऐसी बनाएंगे. बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो. ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ. सबसे पहला काम, जब भी कभी तुम लेंसेज वाले डायग्राम्स बनाते हो, एक बात ध्यान में रखनी है, मेक अ वर्टिकल लाइन एंड मेक अ हॉरिजॉन्टल लाइन. ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसी को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे. यस, प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे. और यहां जो तुमने ये वाली लाइन बनाई है, इसके अबाउट सिमेट्रिकली बहुत आराम से अच्छे से अपने लेंस को ड्रॉ कर लो. क्लियर है सभी बच्चों को ये पॉइंट? क्या करना है, सबसे पहला काम जो आपने करना है, इस दो हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाओ. और दो हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाने के बाद वर्टिकल लाइन के अबाउट अपने लेंस को बना दो. ये एक बहुत आसान तरीका है इस तरह के लेंसेज वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने का. लिखा सभी ने एवरीबॉडी? अब पैरेलल रेज है, राइट, जो इसके ऊपर पड़ रही है, जिनकी वजह से अपन को क्या करना है, इमेज बनाना है. तो पहला केस बना रहे हैं अपन लोग. ठीक है, व्हेन रेज आर कमिंग फ्रॉम द इन्फिनिटी, जब भी कभी इन्फिनिटी से रेज आती है ना, जब भी कभी इन्फिनिटी से रेज आती है, तो ऐसा कहते हैं दीज रेज आर ऑलवेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ. अब देखना ये सारी की सारी रेज को अपन क्या करेंगे, कॉन्वर्ज कर देंगे ऐसा, इसके प्रिंसिपल फोकस पे, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस एंड लाइक दिस. ये स्ट्रेट लाइंस है. ठीक है, फोकस देम ऑन द एफ. डन एवरीबॉडी? काश हमारे पास भी यही कलर की पेन होती है ना. चलो जल्दी से लिख लो एवरीबॉडी. थोड़े से और प्यारे बनाए क्या डायग्राम? आई ट्राई, एक मिनट. डायग्राम्स के प्यारेपन को बढ़ाया जाए. आई वांट टू ड्रॉ थिकर लाइंस. वन मिनट एवरीबॉडी.
Yes, I think this will work. Yes, it's working now. Yes, are we all done, dear students? Yes, ले लें और सवाल. हाँ, क्या बात है, क्या बात है. चलो आगे बढ़े. डियर एवरीबॉडी, ये पहला केस है व्हेन द रेज आर कमिंग फ्रॉम द इन्फिनिटी या व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द इन्फिनिटी. अलग अलग ऑब्जेक्ट की पोजिशंस के लिए ना, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, अलग अलग ऑब्जेक्ट की पोजिशन के लिए हम लोग इमेज बना रहे हैं. तो यहाँ पे लिखना, जो इमेज बनी है ना वो फोकस पे बनेगी लाइक दिस, या आपकी इमेज यहाँ बनती है. ठीक है, तो इमेज लिखना. इमेज, इमेज कैसी है? सबसे पहला चीज़, ये एक पॉइंट इमेज है. कैसी है? एक पॉइंट इमेज है. इसको यहाँ मैं लिखते जाता हूँ एवरीबॉडी. ठीक है, लिखते जाओ आप भी. सबसे पहली चीज़, ये एक पॉइंट इमेज है. मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ना आप लोगों के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ रखा है और उसकी वजह से बनने वाली इमेज की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, दोनों चीज़ें लिखते जा रहा हूँ. फटाफट लिखो एवरीबॉडी. ठीक है, पॉइंट इमेज है, राइट, और उसके साथ साथ फोकस पे बनी है, इन्वर्टेड है और रियल है. रियल, इन्वर्टेड एंड एट फोकस. ये ना मेरी क्लास में मैंने बच्चों को एज अ होमवर्क भी दिया था, मैं उसी को बहुत अच्छे से यहाँ पे कराने जा रहा हूँ. एवरीबॉडी लिखा सभी ने? यस. अच्छा बताया, मैंने बच्चों को एक बहुत अच्छी चीज़ बोली है कि जो तुम यहाँ चीज़ें पढ़ते हो ना, उसको बहुत अच्छे से अपने दोस्तों को भी बताओ, जिससे क्या होगा, योर फ्रेंड्स विल एबल टू कम टू नो कि अच्छा ठीक है, अभी एक ऐसा प्लेटफॉर्म उनके लिए अवेलेबल है जहाँ पर वो चीज़ें जो आप यहाँ मेरे साथ पढ़ रहे हो वो काफ़ी सरलता के साथ, बहुत ही आराम से, राइट, चीज़ें समझ में भी आ रही है बच्चों को और उनके दिमाग में रह भी रही है, राइट. तो अगर यू आर एबल टू पुट आउट दिस मैसेज, देर माइट बी मैनी अदर्स, ट्रस्ट मी ऑन दिस, नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ पॉपुलराइजिंग अन अकेडमी और खुशवंत सर की क्लासेज, बट फॉर द सेक की, और बहुत सारे बच्चे हैं जिनको बहुत अच्छी क्वालिटी एजुकेशन नसीब नहीं हो रही है. अपन को कोशिश करना है कि यू वी आर एबल टू एक्सटेंड अ हेल्पिंग हैंड और काफ़ी सारे वो बच्चे जान सकें किसी भी तरह की अच्छी अगर क्लासेस चल रही हैं उसके बारे में, राइट. कूल, आगे बढ़ें एवरीबॉडी. यस, यहाँ पे भी डायग्राम बना दो फटाफट से लेंस का, इसके बाद कंडीशन भी देख लेते हैं. डन एवरीवन, चलो सुपर. अब की बार हमने यहाँ पर देखना, हाँ ये हुआ फोकस. इस पे ना हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाने के बजाय 2F लिखते हैं, F और 2F लिखते हैं. जैसे मिरर्स की केस में हम C लिखते थे ना, यहाँ पे हम F और 2F लिखते हैं. ठीक है, एवरीबॉडी. फोकस, फोकल लेंथ और डबल दी फोकल लेंथ, ऑल दो होता वो सेंटर है बट स्टिल. यस, क्लियर है, लिखा सभी ने? अच्छा, अब अगला काम क्या है, यू आर कीपिंग दी ऑब्जेक्ट, यू आर कीपिंग दी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड दी 2F का वैल्यू, मतलब यहाँ पे कहीं ऐसा. अब क्या करना है, दो अलग अलग रूल्स यूज कर सकते हो. पहला रूल क्या था याद करो, यू कैन ड्रॉ अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, तो वो डायरेक्टली ऑप्टिकल सेंटर से पास होते हुए निकल जाएगी लाइक दिस. कैन यू रिकॉल दिस एवरीबॉडी, राइट. ये एक रूल था कि वो लाइन जो प्रिंसिपल एक्सिस से पास, जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है वो ऑप्टिकल सेंटर से पास होते हुए निकल जाएगी. दिस वॉज योर ऑप्टिकल सेंटर, आई रीड्रॉ इट हियर. ठीक है, ये जो मैंने पर्पल से मार्क किया है, ओ दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर. तो एक रे को हमने ऑप्टिकल सेंटर से डायरेक्टली पास करा दिया लाइक दिस. दिस इज एरो जरूर बनाना, ठीक है. रे डायग्राम्स के केसेस में एरोज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स. डन, एक रे. अभी दूसरी रे के लिए क्या करते हैं, लेट्स ड्रॉ अ पैरेलल रे. क्या करना है, लेट्स ड्रॉ अ पैरेलल रे, ऐसा. आई एम ड्रॉइंग इट विद ब्लू. ठीक है, और पैरेलल रे क्या करती है याद करो, फोकस से पास कर जाती है. यस, सही कर रहा हूँ. पैरल रे क्या करती है, फोकस से पास कर जाती है. तो यू ऑल आर गोइंग टू ड्रॉ एन इमेज लाइक नेक्स्ट रे, इस तरह से बना लिया क्या सभी ने? जैसे ही बना लो तो बताओ. ये पैरल आई और फोकस से पास कर गई. अभी अपन ने रूल देखा, जहां पर भी दो एक्चुअल रेस का इंटरसेक्शन होता है, जहां पर भी दो एक्चुअल रेस का इंटरसेक्शन होता है वहां क्या बनती है, रियल इमेज. याद आया एवरीबॉडी? यस, अभी अभी हमने देखा था, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है. यस, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट से निकलने वाली दो रेज जिस जगह पे एक्चुअली इंटरसेक्ट करती है, राइट. यहाँ पे क्या हो रहा है, रेज का एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है. क्या ये देख पा रहे हो एवरीबॉडी?
जहां पर रेस का एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है उस जगह पर कौन सी इमेज बनने वाली है, रियल इमेज बनने वाली है। तो यहां पे लिखना ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2F, मतलब 2F के भी दूसरे साइड पर है, और इमेज की क्वालिटीज लिखते जाओ एवरीवन। यस, इमेज की भी क्वालिटीज लिखते जाओ, ग्रीन से लिख लेते हैं। बहुत प्यारे प्यारे पॉइंटर्स है जो हम लोग सीखते जा रहे हैं, ठीक है। पहला, इमेज जो है वो रियल है, क्या देख पा रहे हो, इमेज इन्वर्टेड बनी है, मतलब ये वाला जो पॉइंट था ये नीचे की तरफ आ रहा है तो इमेज इन्वर्ट हो चुकी है। तो लिखना रियल है, रियल क्यों है, क्योंकि एक्चुअल इंटरसेक्शन से बन रहा है इसीलिए रियल है, पहला पॉइंटर। अगला पॉइंटर, ये इमेज इन्वर्टेड है। यस, एक एक बच्चे को क्लियर होना चाहिए, छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं, ठीक है। एवरीबॉडी, लिखा सबने रियल है, इन्वर्टेड है, क्या ये देख पा रहे हो, एक्चुअल जो इमेज और एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट था वो काफ़ी बड़ा था, राइट, ये जो ऑब्जेक्ट है काफ़ी बड़ा है, राइट, लेकिन ये जो इमेज बन के आई है बहुत छोटी सी बनी है, देखो साइज में कम लग रहा है कि नहीं, सभी लोगों को देख के समझ में आ रहा है, ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है जबकि इमेज का साइज छोटा हो गया, इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिमिनिश्ड इमेज बनी है। कैसी बनी है एवरीबॉडी, डिमिनिश्ड इमेज बनी है, वेरी गुड वेरी गुड वैष्णवी, करेक्ट करेक्ट, और उसका लोकेशन भी लिख लो जल्दी से, वेरी गुड सुपर्ब सुपर्ब एक्सलेंट वेरी गुड बिटवीन एफ एंड टू एफ, एक्सलेंट एक्सलेंट साक्षी वैष्णवी आदित्य, छोटे छोटे पॉइंटर्स है यार लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, लिखा गया सभी ने, एवरीबॉडी डन। अगला पॉइंटर ले, जैसे ये पेज लिखना हो जाता है W लिख देना ऑन द स्क्रीन, एवरीबॉडी ठीक है। इसलिए देखो अपन ने रूल्स देखे, ठीक है, फिर अलग अलग तरह की इमेजेस देखी, अब फाइनली डायग्राम्स बना रहे हैं, राइट, ये प्रॉपर तरीका है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। आगे बढ़े एवरीवन, कूल क्लियर इजी, आगे बढ़े जल्दी बताते जाओ, डन, चलो सुपर। जिन बच्चों ने होमवर्क किया था उनको ये आसान लग रहा होगा, हैं महान बच्चे, कुछ तो होमवर्क ही नहीं करके आए थे ना, पता है कई बच्चों ने ना मुझे याद भी नहीं दिलाया, अधिकतर महान बच्चों ने क्या किया, बोलते हैं हाँ सर आपने होमवर्क तो दिया था लेकिन याद नहीं है सर क्या दिया था, या उनको याद होता है, हाँ याद होता है, ऐसा नहीं नहीं होता है, बट ऐसे ठीक है, अभी याद करा देंगे तो फिर पोल खुल जाएगी ना, हम नहीं करके आए हैं। फिर कई बच्चे जो बेचारे सिंसियरली ऑनेस्टली करके लाते हैं वो बेचारे बोलते हैं सर हमने तो याद दिलाया था, आप ही ने नहीं देखा कमेंट, अलग लेवल का भैया, बच्चों में अलग लेवल की पॉलिटिक्स होती है, मजाक नहीं कर रहा, दुनिया के सबसे अच्छे पॉलिटिशियन बच्चे होते हैं, हमको लगता है बड़े होते हैं, ऐसा नहीं है, आई एम नॉट किडिंग, अलग लेवल की पॉलिटिक्स होती है भैया यहाँ पे, तुमको भैया तुम दंग रह जाओगे, ऐसा सोच नहीं सकते, ऐसा उल्लू बना देंगे तुमको। चलो डायग्राम बन गया क्या? अच्छा उस दिन पता है क्या हुआ, मैं अपने घर पे ना, शुड आई टेल यू स्टोरी कि बाद में बताऊँ, पहले डायग्राम बना लो। चलो यहाँ लिखो, ऑब्जेक्ट इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ऑन 2F, लिखना यहाँ तो एवरीबॉडी, बहुत अच्छी स्टोरी, आई टेल यू ऑल वेरी सून, लिखो ऑब्जेक्ट इज एट 2F, तो यहाँ पे दोनों तरफ क्या करोगे, देखो मैंने आपको बताया एक वर्टिकल लाइन बनाओ, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ, ठीक है, बनाने में बहुत आसानी होगी इफ यू वर्किंग लाइक दिस, देन मेक फोकस एफ, राइट, इतने डिस्टेंस पे दूसरी तरफ भी एफ बनाना, मैं अंदाजन बना रहा हूँ, राइट, बट आप चाहो तो एग्जैक्ट बना सकते हो, राइट, और फिर से उतने ही डिस्टेंस पे 2F, मतलब मुझे क्या कोशिश करनी है कि F 2F और ये ऑप्टिकल सेंटर और F के बीच का डिस्टेंस सेम होना चाहिए, राइट, वैसे ही काम यहाँ भी करेंगे, तो आपका लगभग लगभग बहुत आराम से राइट फिगर्स एकदम प्यारे ढंग से बनने वाले हैं। ऐसे चार पॉइंटर्स बनाने एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंट, 2F, F, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस एंड 2F, क्लियर है सबको? यस यस, लिखा सभी ने एवरीबॉडी, चलो सुपर एक्सेलेंट। अब अगला काम क्या करना है, यहाँ पे वी हैव टू पुट दी ऑब्जेक्ट एट दी 2F, ऑब्जेक्ट को 2F पे रख दो, फिर से हम वही काम कर सकते हैं, दो अलग अलग रेज ले सकते हैं, राइट, एक रे को डायरेक्टली पास कराएंगे और एक रे को क्या करेंगे, ऐसा देखना, हाँ एक रे को ऑप्टिकल सेंटर से डायरेक्टली पास करा देंगे, वो तो जस की तस चली जाएगी, सही कह रहा हूँ? यस एवरीबॉडी, और एक रे पैरेलल है
दिख रहा है ना सभी लोगों को, ये तो रूल था, ऑप्टिकल सेंटर पर आने वाली रेस डायरेक्टली ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू ही होती हुई निकल जाती है लाइक दिस, ये तो एकदम क्लियर है। अगली रे को क्या करते हैं, पैरेलल बनाते हैं एंड इट विल पास थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस। सही कह रहा हूँ? यस। देखो साक्षी वाघ कह रही है कि सर आप हमेशा ऐसा करते हो, एक स्टोरी बताते हैं फिर कितनी बार कितनी बाद में बताते हो, हमें भी सुननी है। आदित्य कह रहा है फोकस वर्क एज अ लोकस पॉइंट इन द पैराबॉलिक मिरर, राइट? ऐसा नहीं, लोकस पॉइंट क्या होता है मैं समझाऊंगा आदित्य, पैराबॉलिक मिरर्स के बारे में ना इन द कमिंग प्लस क्लास वील डिस्कस, मुझे याद कराना। आई एम गोइंग टू टॉक टू यू ऑल फॉर एटलीस्ट 5 to 10 minutes एट लेंथ आखिरी में टूवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास, ठीक है? चलो एवरीबॉडी, लिखा सभी ने? यस। एक और रे बनाओ चलो फटाफट यार, क्योंकि ना मुझे लगता है कि यार ये बेचारे बच्चे अगर सिर्फ लॉल लॉल करते रहेंगे यहाँ पे तो फिर क्लास कैसे आगे बढ़ेगी, मतलब हमारी पूरी क्लास लॉल में नहीं निकालनी भैया मेरे को, आगे बढ़े क्या? यस। चलो अभी देखो, जो रे पैरेलल है वो फोकस से पास हो जाएगी, लिख लो, तो जो रे पैरेलल है वो फोकस से पास हो जाएगी कुछ इस तरह से। तो बताए हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, ध्यान से देखना, राइट? हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि इनका जो वापस मिलन है ना वो लगभग लगभग वापस 2F पे ही होता है, मतलब यू विल फाइंड द रेज इंटरसेक्टिंग लाइक दिस। आई विल रीड्रॉ इट, ठीक है? ध्यान से देखना, बहुत प्यारा इंटरसेक्शन होने वाला, राइट? एंड यू विल बी फ्लैबरगास्टेड, मतलब आपके मन में आश्चर्य आना चाहिए, अरे वाह, अरे वाह। यस आउच, माइक्रोसॉफ्ट वन नोट तो बंद हो गया, भगवान कह रहे हैं अब इनका रिवीजन कराओ और बोलो जय माता दी। अरे इतना जल्दी कैसे, रुक जाओ लेट मी चेक, अभी तो हमने 51 मिनट्स ही कंप्लीट किए हैं भैया, अभी और पढ़ाना है तुमको। आई वॉन्ट क्लोज ना या ट्राई अगेन, ये क्या हो गया? कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक मिनट रुकते हैं, लेट्स वेट कि चीज़ें सही हो जाए। ऑल राइट चलो सुपर एक्सेलेंट। लेट्स होप इट वर्क्स, बट इट्स अ डिफरेंट वन नोट, राइट? ओह इट वर्कड, ग्रेट ग्रेट, अरे क्या बात है, सेकेंड्स में प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, वाह। चलो इसका मतलब कोशिश करते रहनी है, कभी ना कभी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाएगी, लगे रहो भिड़े रहो, है ना, आगे बढ़ते रहो। अब यहाँ देखो ये रे जो पैरेलल है इसको अपन ने कहाँ से पास कर देना है, फोकस से पास कर देना है, ठीक है? तो यू आर गोइंग टू पास दिस रे थ्रू फोकस लाइक दिस, लाइक दिस, ऐसा, ठीक है? सो व्हाट यू विल ऑब्जर्व, व्हाट यू विल ऑब्जर्व बहुत ही करिश्माई तरीके से, राइट? इनका जो इंटरसेक्शन होता है ना वापस 2F पर ही होता है, ऐसा। कैन यू ऑल सी दिस एवरीबॉडी? यस। हाय जानवी, वेलकम टू द सेशन। क्या ये देख पा रहे हो सभी लोग, ये 2F और ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आई रीमेक दैट, बट पहले मुझे बताओ क्या ये बात सब लोगों को क्लियर हो रही है, आई ट्राई टू रीमेक दिस, है ना? ध्यान से देखना, ये दोनों रेज 2F पर ही वापस इंटरसेक्ट कर जा रही है। इसका मतलब क्या है, अगर तुमने ऑब्जेक्ट को 2F पर रखा है, दिस वॉज द ऑब्जेक्ट, तो जो इमेज बन के आती है वो भी 2F पर ही बनकर आती है। यस, तुम्हारी इमेज यहीं पर बनकर आ जाती है वापस। क्या ये दिख रहा है सभी लोगों को? और ये भी दिख रहा है कि इमेज की साइज भी सेम है। देखो यहां पर मैंने ये दो अलग अलग लाइंस के बीच का लेंथ लिया हुआ है, देखो यहां पर भी लगभग वही काम हो रहा है, ठीक है? उतने ही इमेज की साइज है, 2F पर थी, यहाँ पर भी 2F पर है, रियल है और इन्वर्टेड है, दिख रहा है एवरीबॉडी। रियल क्यों है? क्योंकि एक्चुअल इंटरसेक्शन से बन रही है एवरीबॉडी। क्या ये पॉइंटर क्लियर है? देख रहे हो कितने बारीक पॉइंटर्स है, सिर्फ इमेज को देखकर पता लगाया जा सकता है। यस, बात क्लियर हो रही है एवरीबॉडी? फटाफट से लिख लीजिए एवरीबॉडी इन टू योर कॉपीज। यस, कि जब आपने ऑब्जेक्ट को 2F पर रखा है तो इमेज की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी है, ठीक है? आई राइट दैट हियर ऑन द स्क्रीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंटर्स है, और मान के चलो अगर तुम जेई और नीट का पेपर दे रहे हो ना, आश्चर्य मत करना इफ यू विल गेट वन सच क्वेश्चन इन द पेपर। यू कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन ऑफ ऑन लेंसेज इस तरह का ऑन द पेपर। यस, वो इसका नॉलेज तुमसे एक्सपेक्ट करेगा, एंड दिस इज लाइक, तुम जाके चेक करो PYQ एंड यू विल गेट
वन और टू क्वेश्चन जो इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित होते हैं, किस तरह की इमेज फॉर्म हो रही है, राइट? या तो एप्लीकेशन दे देगा और बोलेगा कि बताओ यहाँ पर इमेज जो बनेगी वो रियल है, इन्वर्टेड है, वर्चुअल है, कैसी है, राइट? तो बेसिक पॉइंटर्स है, याद रखना है एवरीबॉडी, ठीक है? लिखा सभी ने रियल, इन्वर्टेड, ठीक है, एंड सेम साइज. तीन मेन पॉइंटर्स, रियल है, इन्वर्टेड है, सेम साइज, एंड कहाँ पे बनी हुई है, एट 2F. 2F पर ही डायरेक्टली फिर से बन गई है. डायग्राम से पूरी चीजें क्लियर हो जा रही है. एक एक चीज जो हम बना रहे हैं, रे डायग्राम ही सारी कहानी बोल रहा है. तुमने कुछ करना ही नहीं है, सीधा सीधा रे डायग्राम को उस मेथड से बनाओ जो आज अपन ने सीखा है. दो वर्टिकल लाइंस बनाई, चार पॉइंट्स बनाए जो एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंट है, और उन रूल्स को फॉलो किया जो अपन ने आज क्लास की शुरुआत में पढ़ा है. आगे बढ़े क्या जल्दी से एवरीबॉडी, बताना तो एवरीबॉडी. यस, इतना सिंपल हो गया है, देख रहे हो कितना सिंपल हो गया है. मतलब जो चीज़ें बच्चों को हार्ड लगती है उसको अपन ने ट्रिक्स के जरिए और पेशेंस के जरिए, स्टेप्स के जरिए इजी बना लिया. इजी ही होता है ये. आगे बढ़े क्या डियर एवरीबॉडी? यस. अच्छा, जानवी कह रही है सर मेरा नाम जैनविल नहीं है, आप मुझे अनअकैडमी पे जैनविल कहते हो. आई एम रियली सॉरी जानवी, क्योंकि वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है जानवी एल लिखा होता है, राइट? आपने लिखा हुआ है जानवी लंबाट नाम है, तो जानवी के बाद एल लिखा होता है, तो मुझे जैनविल दिखता है, तो मैं जैनविल कह देता हूँ, राइट? लेकिन बच्चे ने क्लैरिफाई किया है कि सर मेरा नाम जानवी है, जानवी जैनविल नहीं है. सो रियली रियली पार्डन मी फॉर दैट, मुझे आज ही पता चला जानवी. ठीक है, आज से मुझे जैनविल नाम दिखेगा तो मैं जानवी कहूँगा, ठीक है? डोंट वरी, चलो फटाफट से लिख लो एवरीबॉडी, जैसे ही हो जाता है आगे बढ़ते हैं, ठीक है? हो गया, डन डना डन एवरीबॉडी. बहुत प्यारे पॉइंटर्स है यार, सीखना है यहाँ से एवरीबॉडी. ऑल ऑफ अस हैव टू कीप लर्निंग फ्रॉम हियर. यस, चलो सुपर. अगला पॉइंटर लेते हैं. लिख लिया ना सभी ने, एक डब्ल्यू लिख सकते हो क्या ऑन द स्क्रीन इफ यू ऑल आर डन राइटिंग विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेजेस एज वेल एज द डायग्राम ड्रॉन हियर ऑन द स्क्रीन. बना लिया सभी ने एवरीबॉडी? ऑप्टिकल सेंटर, फोकस, 2F एंड द अदर कैरेक्टरिस्टिक्स. देखें अगला पॉइंटर, अरे कर लोगे एवरीबॉडी, आगे बढ़े पक्का. चलो सुपर सुपर. यहाँ देखो पॉइंटर नंबर 4, फिर से वही काम करना है, राइट? मेक टू लाइंस, एक हॉरिजॉन्टल और एक स्ट्रेट, ऐसा एक ये वन, राइट, वर्टिकल और दूसरी हॉरिजॉन्टल, कुछ ऐसा, ठीक? इनके ऊपर फिर से आपको लेंस बनाना है, ठीक है? अब लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की पोजीशन हम बदल देंगे, ठीक है? ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदल देंगे. लेंस बना दो एवरीबॉडी, ऐसा सिमेट्रिकल बनाने की कोशिश करना. नहीं होता है कोई बात नहीं, कोशिश तो कर सकते हो, ठीक है? अच्छा, उसके बाद अगला काम क्या करना है कि चार इक्विडिस्टेंट पॉइंट बना लो. चार इक्विडिस्टेंट पॉइंट बना लो, एक फोकस यहाँ बनाया, दूसरा फोकस यहाँ बनाया. मुझसे एक बच्चे ने पूछा था कल, शायद आदित्य ने पूछा था कि सर प्रिंसिपल फोकस बोल सकते हैं क्या मिरर के केस में? यहाँ बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, है ना? आई टोल्ड कि लेंसेज में आता है फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस एंड सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, ठीक है? यहाँ पे ऐसे एवरीबॉडी, ये बना लिया क्या सभी ने, राइट? तो मैं आंसर देना चाहता था बट अभी क्योंकि आदित्य सेशन में भी है एंड आई एम ड्राइंग लेंसेज वाले केस, इसीलिए लेटिंग यू ऑल नो. साक्षी कह रही है सर आज 5 PM को स्पेशल क्लास नहीं है. आज 5 PM पे यूट्यूब पे क्लास है साक्षी, 5:15 पे. आज मेरी सारी क्लासेस यूट्यूब पे है क्योंकि मेरे बहुत लंबे समय से यूट्यूब के सेशंस नहीं हुए थे ना, तो अन अकेडमी वालों ने बोला है सर आप पढ़ाते जाओ, आज 2-4 दिन आप सिर्फ यूट्यूब पे पढ़ाओ, मज़े करो, यूट्यूब आपका है सर. तो मैंने कहा तथास्तु. आगे बढ़े एवरीबॉडी. यस, चलो कूल. अब ना हम लोगों ने 2F पर ले लिया था, करेक्ट? अभी हम 2F और F के बीच में लेते हैं, ठीक है? 2F और F के बीच में अपने ऑब्जेक्ट को बनाते हैं. तो देखो यहाँ के अब की बार ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, बिटवीन F एंड 2F. सबने बनाया ऑब्जेक्ट कहाँ पे अब की बार? ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F एंड 2F. चलो पता है मुझसे ना, मुझे लगता है किस दिन कोई बच्चा पूछ ना ले सर आप ये बार बार अन अकेडमी वालों कहते हैं, कौन है ये अन अकेडमी वाले जो इतनी मौज कराते रहते हैं सर.
नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अन अकेडमी इज़ वन ऑफ द बेस्ट शॉट ऑर्गेनाइजेशंस आई हैव कम अक्रॉस. काफ़ी ज़्यादा एजुकेटर्स को और बच्चों को फ्रीडम और फैसिलिटीज़ मिली हुई है, राइट? बहुत ज़्यादा सर्विसेज मिली हुई है और काफ़ी अच्छे से वो हर एक एक फीडबैक को ट्रीट करते हैं, राइट? एक एक एजुकेटर के लिए देर इज़ फंडामेंटल फीडबैक. हम वी कैन टॉक टू दी टीम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, राइट? जो बच्चे होते हैं, बच्चों के जो जो डिमांड्स और नीड्स होती हैं उसके अकॉर्डिंगली दे ट्राई टू लॉन्च कोर्सेज, करिकुलम. मतलब आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय द वे ऑफ द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. और पता है इसके पीछे बहुत सारा हार्ड वर्क है, एक या दो लोगों का नहीं, देर इज़ अ टीम वर्किंग. आपकी एक एक क्लास बहुत अच्छे से सक्सेसफुली कंडक्ट हो सके, देर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर वर्किंग हार्ड, राइट? तो कभी कभी ना लाइक स्टूडेंट्स थिंक ऑन द फैक्ट कि सर वो अमाउंट मनी चार्ज करते हैं. यार मनी तो हर जगह चार्ज हो रही है. तुम अगर अगर डॉक्टर के पास इलाज करवाने जाते हो वहाँ भी पैसे चार्ज होते हैं यार. यू कैन नॉट से टू अ डॉक्टर मेरा फ्री में इलाज कर दो, राइट? इफ़ यू गो टू अ किराना स्टोर एंड यू बाय राइस, यू कॉन्ट से टू द किराना स्टोर पर्सन कि यार तुम मुझे फ्री में राइस दे दो, राइट? तो प्राइस के बेस पे किसी एक एक सर्विस को ख़राब कह देना, आई डोंट थिंक दैट इज़ रियली सेंस वर्दी, राइट? कोई भी चीज़ अगर पेड है इसका मतलब ज़रूर देर इज़ सम वैल्यू एडेड टू इट, राइट? कोई भी वैल्यू एडेड है. देर आर सो मेनी पीपल वर्किंग हार्ड. मतलब मुझे लगता है कभी कभी कि अन अकेडमी जितना चार्ज कर रहा है इट इज़ वेरी वेरी लेस वेन यू कंपेयर टू दी हार्डवर्क जो जा रहा है बाई सो मेनी पीपल जो उसको ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में एक काफ़ी एप्रिशिएबल फॉर्मेट में आप लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं. मतलब वाओ, रियली इम्प्रेस. ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, राइट, विच आई एम पुटिंग फॉरवर्ड. कूल, आगे बढ़ते हैं एवरीबॉडी. यस, तो यहाँ पे हमने अपने ऑब्जेक्ट को बनाया है बिटवीन एफ एंड टू एफ, राइट? और यहाँ से हमने क्या लेना है, यहाँ से हमने एक रेज लेनी है ऐसा, राइट? विच विल लाइक बिफोर, पिछली बार की तरह ये रेज क्या करेगी, इट विल कम एंड स्ट्राइक द प्रिंसिपल एक्सिस कुछ इस तरह से, ऐसा कुछ. Make a single ray, ऐसा. चलो, yes, something like this. Yes, I was wondering कि मुझे पेन की थिकनेस बढ़ानी है, अब बढ़ गई है. ठीक है, ये लिख लिया क्या सभी लोगों ने? Yes. तो यहाँ क्या होने वाला है, जैसा अभी हमने देखा ये रे यहाँ पे स्ट्राइक करती है, ठीक है, द ग्रीन वन, राइट? स्ट्राइक करने के बाद इट विल ऑब्वियसली, बताओ कहाँ से पास करने वाली है जल्दी से, एफ या टू एफ, तुम्हारा टेस्ट है ये जल्दी से. क्लास खत्म होने वाली है इसलिए टेस्ट है. जो रे पैरेलल आई है प्रिंसिपल एक्सिस के कहाँ से पास करने वाली है, एवरीबॉडी? यस, जल्दी बताओ फटाफट, क्विकली फटाफट से, रेस कहाँ से पास करने वाली है, एफ की टू एफ जो पैरेलल है, फटाफट एवरीबॉडी वेटिंग फॉर योर व्यूज, क्विक. डन एवरीबॉडी? यस. अरे जल्दी बोलो प्यारे बच्चों, फोकस से पास होने वाली है. वेरी गुड, वेरी गुड, सुपर सुपर, एक्सलेंट एक्सलेंट, राइट? तो द रे विच इज पैरेलल वो फोकस से पास कर जाती है. अगला देखें, अगला पॉइंटर देखें. अभी अगला पॉइंटर क्या होता है, एक और रे हम बना सकते हैं, लेकिन उस रे को कहाँ से पास करा लेते हैं, उस रे को ऑप्टिकल सेंटर से डायरेक्टली पास करा लेते हैं, लाइक दिस. यस, ऑप्टिकल सेंटर से डायरेक्टली पास करा लेते हैं कुछ इस तरह से. मैंने शायद 2F की पोजीशन थोड़ा नज़दीक बना दी है, थोड़ा सा दूर कर रहे हैं, ठीक है, एक मिनट. तो बेसिकली ऑब्जर्वेशन ये रहता है कि जहाँ पे भी 2F है उसके थोड़ा सा आगे, मतलब बियॉन्ड 2F द इमेज इज फॉर्म्ड. जैसे ये 2F है फॉर एग्जांपल, तो 2F के थोड़ा सा आगे द इमेज इज फॉर्म्ड, ऐसा कुछ. बिकॉज आई एम नॉट ड्राइंग द डायग्राम्स टू स्केल, तो छोटा सा ये पॉइंट है जिसको करेक्ट कर लो, ठीक है. कैन यू ऑल सी दिस एवरीबॉडी? एक बात देख पा रहे हो, अभी इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, ठीक है. इमेज में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पहला, वी ऑल कैन सी दैट द इमेज इज फॉर्म बियॉन्ड 2F, पहला pointer, images form beyond 2F. देख रहे हो, दिस इज जस्ट द रिवर्स ऑफ वॉट वॉज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट केस. जब हमने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2F लिया था तो इमेज वॉज फॉर्म बिटवीन एफ एंड 2F. अब की बार तुमने ऑब्जेक्ट को एफ और 2F के बीच में लिया है तो इमेज इज फॉर्म बियॉन्ड 2F.
है ना, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f था तो इमेज यहाँ आई थी, रिवर्स हो गए, दोनों ने अपनी पोजिशन रिवर्स कर दी, ये अपनी इमेज है आई। यस, अगला पॉइंटर दिख रहा है कि ये एक्चुअल इंटरसेक्शन से फॉर्म हो रही है, राइट। कोशिश करके डायग्राम्स में ये ले आपका एरो ज़रूर बनाना, ठीक है, राइट। तो अब एक और पॉइंट देखो, अगला इसका पॉइंटर इस कि आपने जो इमेज देखनी है यहाँ पे, दैट इज़ रियल। अगला पॉइंट इज वो इन्वर्टेड है, वो भी दिख रहा है। अच्छा मुझे एक और बात बताओ, क्या ये देख पा रहे हो कि इमेज का साइज़ अब की बार बढ़ने लगा है? पहले इमेज का साइज़ पॉइंट था, फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ा, फिर सेम साइज़ का हुआ, अब वो ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट है। ये छोटी छोटी चीज़ें ऑब्जर्व करो, ठीक है। इफ़ यू ऑल वॉन्ट आई गो टू द अबव पॉइंट, ठीक है। यहाँ देखो, सबसे पहले इमेज जो थी वो पॉइंट इमेज बनी थी, यस ये पॉइंट इमेज थी, करेक्ट। अच्छा अगला केस देखो एवरीबॉडी, पॉइंट इमेज के बाद जो तुमने देखा कि इमेज का साइज डिमिनिश आ रहा था, राइट, यहाँ पे डिमिनिश्ड साइज आया, करेक्ट। अब इसको नेक्स्ट पॉइंटर में हमने देखा कि जब तुमने 2f पे रखा तो सेम साइज का आया, ठीक है। फिर 2f से f के बीच वाले डिस्टेंस पर ले आए तो इमेज अब बड़ी होने लगी है। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही वो फोकस पे आएगी, आई रिपीट, जैसे ही वो ऑब्जेक्ट फोकस पे आएगा, इमेज इनफाइनाइट लेंथ की होने वाली है। छोटे छोटे की पॉइंटर्स है, ऑब्जर्व दी पैटर्न व्हाट इज हैपनिंग। ऑब्जेक्ट के पोजीशन को जैसे जैसे तुम लेंस के पास लेकर आते हो, इमेज का साइज बढ़ रहा है, दिस इज द कंक्लूजन। इसको लिख सकते हो चाहो तो अपने पास, है ना एवरीबॉडी। वेरी गुड सुपर्ब एवरीबॉडी, लिख लो जरा, रियल इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड, रियल इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड, लिखा क्या सभी ने एवरीबॉडी, डन। बहुत अच्छे की पॉइंटर्स है, इन्हीं से हमको सीखना है एवरीबॉडी, डन एवरीबॉडी। जैसे लिखना हो जाए ना, एक CLR लिखना ऑन द स्क्रीन या W लिख देना फटाफट। ये की पॉइंटर्स हमको ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व द ट्रेंड, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ऑब्जर्व द ट्रेंड। देखा क्या सभी ने एवरीबॉडी, यस as the distance between the object and the pole decreases, the size of the image varies with respect to that. Absolutely correct. यही हो रहा है यहाँ पे, और तुमने देखा साइज बढ़ती जा रही है अभी तक, ठीक है। अब जैसे ही देखना फोकस के पास आएगा ना, या फोकस पर आएगा, तो इमेज इन्फिनिटी पर जाने लगेगी। अभी देखते हैं, पहले लिख लो एवरीबॉडी, लिखा सभी ने, डन, ये पेज हो गया, नेक्स्ट पे बढ़े। वेरी गुड वेरी गुड, अप्रिशिएटेड यार, तुम लोगों का लर्निंग स्पिरिट आई रियली अप्रिशिएट, ऐसे ही सीखते जाना एवरी वन। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट पेज एवरी वन, चलो सुपर्ब। अगला पॉइंटर लिखो, हमने कितने देख लिए, चार केसेस देखे ना अपन ने, एक दो तीन चार, हाँ चार केसेस देखे अपन ने, फोर केसेस देखे, ठीक है। केस नंबर 5 लिखना तो सभी लोग। अब की बार हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को लेट अस प्लेस इट एट द फोकस, ऑब्जेक्ट एट फोकस, लिखा सभी ने एवरीवन, यस। फिर से वही काम करो, क्या करना है, दो हम लोगों ने इमेज बना, दो लाइंस बनानी है, वी हैव टू मेक टू डिफरेंट लाइंस, एक वर्टिकल और दूसरी हॉरिजॉन्टल, कुछ इस तरह से, यस। इससे पूरा का पूरा तरीका विल बिकम सो ईजी, तुम्हें लगेगा वाह वाह ऐसी फीलिंग आने लगेगी, इतना आसान है लेंसेज पे इमेजेस ड्रॉ करना या रे डायग्राम्स बनाना, बहुत आसान है, यस। ये एटीट्यूड, ये जज्बा चाहता हूँ मैं एक एक बच्चे में आने लगे, ठीक है, उनको फिजिक्स आसान लगने लगे, मज़ा आने लगे सॉल्व करने में, लगना चाहिए सर और क्लास बढ़ती चली जाए, क्या मज़ा आ रहा है, वो फीलिंग आनी चाहिए। लिखा गया सभी लोगों ने एवरीबॉडी, डन यहाँ तक। अभी दो फोकस बना लो, राइट, एक इस तरफ लगभग उतनी ही दूरी पर, दूसरा इस तरफ ऐसा, एक एफ और दूसरा भी एफ, वैसे ही चाहो तो 2f भी बना लो, ऑल दो इट्स नॉट रिक्वायर्ड बट स्टिल, डन एवरीवन। अब क्या करना है, फिर से वापस पेन ले लो और स्केल ले लो और डायग्राम बनाना शुरू करो। तो तुमने ऑब्जेक्ट को यहाँ रख देना है एवरीवन, ठीक है, दिस इज योर ऑब्जेक्ट ओ, ठीक है। अब ब्लैक से बनाते हैं, चलो सबसे पहले क्या कर सकते हो, एक जो तुम्हारी तुम्हारा ऑब्जेक्ट है उससे रे लो और उसको डायरेक्टली ऑप्टिकल सेंटर पर लेकर आओ, क्योंकि हम प्रॉपर्टी जानते हैं, जो रे ऑप्टिकल सेंटर पर आती है वो ऑप्टिकल सेंटर से पास कर जाती है, करेक्ट एवरीबॉडी, यस। याद है ना ये रूल सभी लोगों को, जो रे ऑप्टिकल सेंटर पर आई ऑप्टिकल सेंटर से पास कर गई, ईजी टू अंडरस्टैंड।
अभी एक दूसरी रे लेते हैं, उसको पैरेलल लेते हैं और फोकस से पास करा देते हैं, क्लियर है? यस, कूल एवरीबॉडी, चलो सुपर, ले लो जल्दी से एक अगली रे बनाओ फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है? और इसको कैसा बनाना है, इस रे को हम लोगों ने इस तरह से स्ट्रेट बनाना है ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस आई, ठीक है? एंड मेक इट पास थ्रू द फोकस, ऐसा कुछ इस तरह से, क्या एक बात ऑब्जर्व कर पा रहे हो सभी लोग? ये दोनों रे तुम लोगों को पैरेलल दिख रही है क्या? क्या देख पा रहे हो ये दोनों रेस पैरेलल है? रिफ्रैक्शन के बाद जब लेंस में रिफ्रैक्शन हुआ तो दोनों की दोनों रेस पैरेलल हो गई। पैरेलल रेज में पता है क्या खासियत होती है, ये इन्फिनिटी पर जा रही है। कहाँ जा रही है? टू इन्फिनिटी। क्या लॉजिक क्लियर है सभी बच्चों को? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि दोनों की दोनों रेज इन्फिनिटी पर जाकर मीट होंगी। आई रिपीट, दोनों की दोनों रेज अगर पैरेलल हैं तो, अगर देखो, अगर फॉर एग्जांपल दो रेज मैं इस तरह से बनाता, ठीक है, कहीं ना कहीं तो मीट होती, राइट? लेकिन पैरेलल रेस के बारे में ये कहा जाता है कि ये मीट होती हैं, लेकिन कहाँ होती है? इन्फिनिटी पर, बहुत दूर जाके कहीं मीट होती है। क्या बात क्लियर हो रही है? ये भी मीट होती हैं, है ना? तुमसे अगर कोई पूछे कि क्या पैरेलल रेज मीट होती हैं, तो आंसर थोड़ा सा ट्रिकी है। पैरेलल रेज वैसे तो मीट नहीं होती, लेकिन हम कह सकते हैं हाँ इन्फिनिटी पर जाकर कहीं तो मीट होती होगी, ऐसा। क्या बात क्लियर हो रही है? दिस इज अ वे ऑफ पुटिंग द पॉइंट अक्रॉस। कहने का मतलब है बहुत दूर तुम्हारी इमेज बनने वाली है। यस, इसको लिख लो अब इमेज की प्रॉपर्टीज जल्दी से। ये फिजिक्स का एक बहुत ही, इन फिजिक्स कह लो, मैथ्स कह लो, उसका एक बहुत ही गजब का सिद्धांत है। कभी भी अगर कोई दो रेस पैरेलल है तो तुम ये कहोगे कि वो मीट नहीं होती, या ये भी कह सकती हो कि वो इन्फिनिटी में मीट नहीं होती। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी तक आज तक कोई पहुंच ही नहीं पाया। जैसे तुम किसी एक पॉइंट को इन्फिनिटी बोलते हो, यानी कि वो बहुत दूर है, जैसे तुम वहां पहुंच जाते हो तो इन्फिनिटी और दूर चली जाती है। यस, और ये सिलसिला चलता रहता है। बहुत गजब का पॉइंट है, इसको अपने पास कहीं लिख सकते हो। मे बी अगर तुम कोई साइंटिस्ट या रिसर्चर बन जाते हो, यू विल रीड अबाउट इट, थिंक अबाउट इट, सोचना है इसके बारे में, ठीक है? एवरीबॉडी आगे बढ़े। यस, आगे बढ़े क्या? एवरीवन, देर आर टू वेज ऑफ पुटिंग इट अक्रॉस। ईदर दे'ल मीट एट इन्फिनिटी या दे आर पैरेलल एंड दे'ल नेवर मीट। देर आर टू वेज ऑफ पुटिंग द सेम पॉइंट। वैष्णवी वैद कहती हैं कि हाँ सर, हमें तो यही फील होता है आपकी क्लास में। बहुत अच्छी बात है, रियली रियली हैप्पी टू नो दैट। हाय सोफिया मलिक, वेलकम टू द सेशन एवरीबॉडी। अब इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लें एवरीवन। यस, लिखना इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। पहली कैरेक्टरिस्टिक लिखो, हमको दिख रहा है कि वो एट इन्फिनिटी बन रही है, ठीक है? इसको ये तो समझ में ही आ गया एकदम प्यारे ढंग से, राइट? अच्छा, अगली चीज़ क्या होगी कि वो, क्योंकि देखो ये दोनों के दोनों राइट नीचे चलेगा, तो जो भी इमेज बनेगी बहुत बड़ी बनेगी और नीचे की तरफ बनेगी। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ इमेज कैसी होने वाली है, इन्वर्टेड होने वाली है, राइट? ये जो पॉइंट है ये नीचे की तरफ, इस बहुत दूर कहीं पर ये दोनों मिलकर एक बहुत बड़ी रेस का निर्माण करेंगे या बहुत बड़ी इमेज का निर्माण करेंगे, राइट? सो आई कैन से दैट द इमेज इज गोइंग टू बी इन्वर्टेड, है ना, एंड रियल, क्योंकि एक्चुअली मिलने वाला है। तो रियल, इन्वर्टेड एंड वेरी वेरी एनलार्ज्ड, बहुत बहुत मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड इज ऑल्सो अ वर्ड, ठीक है? रियल, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड। नहीं, वर्चुअल नहीं, रियल, क्योंकि ये दोनों कहीं ना कहीं, मैंने कहा ना, अगर कोई दो रेज इन्फिनिटी तक जा रही है तो देर आर टू वेज ऑफ सेइंग इट, है ना वैष्णवी? इसको ध्यान से सुनना। देर आर, वेन टू रेज आर गोइंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी, देर आर टू वेज ऑफ सेइंग इट। ईदर यू विल से दैट दे विल नेवर मीट, और यू विल से दैट द रेज विल मीट एट इन्फिनिटी। पैरेलल रेज will meet at infinity, इसको लिख लो अपने पास as a key pointer, ठीक है? तो अगर actually मिलने वाली है, actually intersect करने वाली है, इसका मतलब image कैसी होगी, real या virtual? real, क्योंकि मिलने वाली है रेस कहाँ, infinity पर। तो infinity पर बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी, real बनेगी और inverted बनेगी। क्या ये बात clear है everybody? लिख लो तो अपने पास, और अगला pointer लिखना यहीं पर, है ना? अगला पॉइंटर लिखना रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड या वेरी वेरी लार्ज इमेज। क्या डन डना डन हो गया एवरीबॉडी? अच्छे से समझा? मैग्निफाइड, हाईली मैग्निफाइड भी कह सकते हो, है ना? हाईली मैग्निफाइड भी कह सकते हो, वेरी मच मैग्निफाइड भी कह सकते हो, राइट? तो आई विल राइट वेरी मच यहां पे।
बहुत ही ज्यादा मैग्निफाइड इमेज बनती है. डन डना डन, क्लियर है कॉन्सेप्ट. एक एक बच्चे को कैन आई हैव अ क्विक येस सर ऑन द स्क्रीन एवरीबॉडी. एक लास्ट पॉइंट देख लें, राइट एक लास्ट पॉइंट देख लें. अच्छा जो लास्ट पॉइंट है ना वो एक मैग्नीफाइड लेंस होता है ना, घर पे कभी देखा है तुम लोगों ने वो काम किया है मैग्नीफाइंग लेंस से पेपर जलाने वाला? मैंने बहुत किया है, तुम लोगों ने किया है क्या? अरे भाई साहब गर्मी के मौसम में ठीक है, पेपर वेपर लेके मैं और मेरी कज़न सिस्टर हम लोग क्या करते थे, ऐसे पतीला लेते थे उसमें पेपर और जो नारियल का बाहर का पोर्शन होता है ना उसको ऐसे बाहर निकाल के, द कोकोनट ब्रश जो बाहर की तरफ होता है नारियल में, राइट बुशेस कोकोनट बुशेस उसको लिया ठीक है, और उसके ऊपर मैग्नीफाइंग लेंस डाल के बहुत आग जलाई है घर में. मजाक नहीं कर रहा हूँ ठीक है, मतलब टेरेस में ऑफ कोर्स, अपने घर पे नहीं है ना, टेरेस में ऐसे काम किए हैं राइट. तो तुम लोग मत करना, आई एम जस्ट टेलिंग यू ठीक है, जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि मैग्नीफाइंग लेंस से बच्चे इस तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं ठीक है. चलो आगे बढ़े एवरीबॉडी. यस 12th का टॉपिक अभी स्टार्ट होने वाला है सोफिया इन 5 to 10 minutes. यस ये वाली क्लास थोड़ी सी एक्सटेंड हो गई है बिकॉज बच्चे कुछ ज़्यादा ही इन्जॉय कर रहे हैं, तो अब मुझे सेशन को एंड तो करना है. चलो एंड करें सेशन को एवरीबॉडी, मुझे तुम लोगों को छोड़ के जाने की इच्छा तो नहीं हो रही है बट एंड तो करना ही पड़ेगा. अरे सर ये क्या हो गया सर, अरे इतना मज़ेदार टॉपिक चल रहा था अचानक से आप बाय बोल दोगे. अच्छा फॉर एवरीबॉडी हु इज़ वॉचिंग दिस चैनल राइट नाउ, राइट मेरे टेलीग्राम का आप सभी लोग जानते हैं द टेलीग्राम चैनल इज k.t.me खुशवंत फतनानी HSC. फील फ्री टू सब्सक्राइब टू दिस टेलीग्राम चैनल ताकि आपको ऐसे ही अपडेट्स और मिलते रहें अबाउट द कमिंग क्लासेस. यस और यस यस यस. सो आदित्य का एक सवाल है, आई एम जस्ट ट्रांसलिंग इन बिटवीन एवरीबॉडी. आदित्य कहता है कि सर इफ द रेज मीट एट इन्फिनिटी एट अ पॉइंट देन दे विल बी इंटरसेक्टिंग. यस यस एब्सोल्युटली रेज इंटरसेक्ट करेंगी है ना, एक्चुअली इंटरसेक्ट करेंगी आदित्य, लेकिन इन्फिनिटी पर. जब भी कभी रेज पैरेलल है हम कहेंगे वी विल से दैट द रेज आर मीटिंग एट इन्फिनिटी बिकॉज दे आर मीटिंग और इंटरसेक्टिंग एट इन्फिनिटी, इसी वजह से द इमेज फॉर्म्ड विल बी रियल. ठीक है चलो सुपर ऑल राइट. सर स्टोरी बचाना बाकी है, चलो ठीक है स्टोरी बता के ख़त्म करते हैं, डोंट वरी. ऑल राइट पहले लिख लीजिए एवरीबॉडी राइट. कोई बच्चा जो टेलीग्राम चैनल पे नहीं है वो टेलीग्राम चैनल का यूज़ कर सकता है टू गेट दी अपडेट्स अबाउट द क्लासेस राइट. मेरा कोड लिख लीजिए विच इज़ KF LIVE खुशवंत फतनानी लाइफ. अगर आपका कोई दोस्त है राइट कोई भी भाई बंधु है राइट एनीबॉडी योर जूनियर सीनियर लेटर नेक्स्ट ईयर आप अपने जूनियर सीनियर्स को भी फॉर एग्जांपल वो अगर अनअकैडमी ज्वाइन करना चाहते हैं नॉट जस्ट बिकॉज कि आप बोल रहे हो बिकॉज उनको ज़रूरत है, देर इज़ एनीबॉडी हु इज़ इन रियल नीड ऑफ इट उनको ज़रूर बताइएगा. दे विल गेट अ 10% का डिस्काउंट इफ़ दे यूज़ दिस कोड इन देयर सब्सक्रिप्शन है ना. सब्सक्रिप्शन के दौरान वो आपसे पूछता है आपके पास कोई कोड है क्या, याद से इसको डालना इन ऑर्डर टू गेट अ 10% ऑफ ऑन योर टोटल सब्सक्रिप्शन अमाउंट. अच्छा आप आ जाते हैं कहानी पर है ना, चलो ठीक है कहानी ध्यान से सुनो. अभी कहानी क्या है, कहानी ये थी, अरे कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं छोटी सी चीज़ है और बहुत हास्यास्पद है. इट जस्ट टेल्स कि बच्चा छोटी सी एज में कितना ज़्यादा बुद्धिमान रहता. मैं उस दिन अपने घर का जो आटा वगैरह होता है ना उसको मतलब आटा लेने के लिए घर का आई वेंट टू एन आटा चक्की ठीक है. एंड देयर व्हाट हैपेंड इज देयर वाज अ वेरी लिटिल गर्ल, उसी का दुकान था वो, मतलब उसके पापा या उसके चाचा जी का दुकान था. एंड शी एंटर्स द शॉप ठीक है, बोलती है मेरे को फ्रूटी दो ठीक है. बहुत छोटी सी बच्ची, मतलब शी माइट नॉट बी ग्रेटर देन 2 to 3 years ऑफ एज, बहुत छोटी सी बच्ची थी ठीक है. शी कम्स टू द शॉप एंड सेज चाचा जी मुझे ना फ्रूटी चाहिए. बोले ठीक है ले लो ठीक है. तो मस्त जाती है जोर से, इतना बड़ा फ्रिज उसकी फ्रूटी पीने की ललक, जाती है और जोर से खोलती है ठीक है, फ्रूटी निकालती है. बोलती मेरे को ये पाइप ना, क्योंकि उससे खुल नहीं रहा था ठीक है, जो पाइप का फ्रूटी के ऊपर पाइप पर ऐसा एक प्लास्टिक कवर लगा रहता है ना, बोलती है इसको अलग से खोल के दो ठीक है. तो उसके चाचा जी उसको खोल के देते हैं और बोलती है ठीक है मैं यहाँ बैठ के पीऊँगी. फटाफट 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 एकदम धड़ 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 विद इन मतलब मैं देख के दंग रह गया, भैया क्या स्पीड है. विद इन टू टू थ्री मिनट्स उसने पूरी फ्रूटी ख़त्म कर दी ठीक है. एंड देन शी गेट्स अप ऐसे ठंग ठंग, छोटे बच्चों को देखा है ना कैसे चलते हैं राइट. तो एकदम मस्त अपने राजा महाराजा वाले अंदाज में चल के आती है, बोलती है मेरी ये वाली हो गई ठीक है. एंड देन शी टेल्स हर कि एक और दे दो. तो उसको बोलते हैं भैया और कितनी हो तो गया अभी जाकर
तो बोलती नहीं अभी, बोले अब किसके लिए चाहिए, बोलती वो मम्मी के लिए चाहिए, बोले कि क्यों मम्मी के लिए क्यों चाहिए, बोलती वो बोलेगी ना मेरी बेबी पी के आई है तो फिर मम्मी मम्मी क्यों फ्रूटी नहीं पिएगी, मेरी मम्मी रोएगी, बोलती है आप एक और दे दो। अरे भाई साहब ये क्या हो रहा है दुनिया में, क्या आजकल स्मार्ट बच्चे ही पैदा होते हैं क्या, बचपन से ऐसे होते हैं क्या? मतलब मुझे लगता है कि यार मेरी क्लास में जो मुझे बच्चों का इंटेलिजेंस लेवल दिखता है, वो अगर वो अभी ऐसे हैं मतलब, और इससे डबल इंटेलिजेंस जो आज के 2-3 साल वाले बच्चों में है, बोलते हैं कि भैया मुझे फ्रूटी दे दो ताकि मेरी मम्मी ना रोए, हे भगवान, मतलब मम्मी के नाम पे बटोरो वाली स्कीम चल रही है, क्या हो रहा है भैया दुनिया में यहाँ पे, मतलब व्हाट इज हैपनिंग। मैं देख के इतना हंसा हो ना, मतलब उस एक छोटी सी बच्ची के, तुम लोग जितना सुन के हंस रहे हो ठीक है, तुम इमेजिन करो मेरे सामने ये चीज़ हो रही थी, मतलब आई वॉज लाफिंग लाइक इनसेन। मैंने उसको बोला कि देख तुम पक्का मम्मी के लिए लेके जा रही हो, ऐसा तो नहीं अंकल को लल्लू बना रही हो, बोलती नहीं 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 भैया मेरी मम्मी रोएगी ना अगर नहीं लेके जाऊंगी तो। मैंने बोला भाई साहब एक्टिंग स्किल भी जबरदस्त, कन्विंसिंग स्किल भी जबरदस्त, ऐसे बच्चे ना सच में टू बी वेरी ऑनेस्ट वो बहुत अच्छे मार्केटर्स, बहुत अच्छे एक्टर्स और न जाने क्या क्या बन सकते हैं, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट ठीक है। तो ये कहानी थी जस्ट टू इलस्ट्रेट यू ऑल कि भैया आजकल बच्चे मुझे लगता है बचपन से होशियार पैदा होते हैं, होशियार नहीं डेढ़ होशियार पैदा होते हैं। ऑल राइट ठीक है, चलो मम्मी के नाम पे फ्रूटी निकलवाते हैं, कूल। तो आई थिंक आपको एक कहानी पसंद आई है राइट, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसको अपने इस कहानी को भी राइट हो सके तो अपने शेयर कीजिएगा अपने जो भी क्या कहते हैं टेलीग्राम इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सएप पर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा राइट, वो सारे बच्चे खासकर जिनको इस तरह के वीडियोस की नीड है, इस तरह के कॉन्सेप्ट से उनके चीज़ें क्लियर हो सकती है बहुत अच्छे से, प्लीज़ डू शेयर इट विद एज मेनी पीपल यू नो राइट। सो दिस इज़ योर एजुकेटर मेंटर एंड कोच खुशवंत पतनानी साइनिंग ऑफ फ्रॉम दी सेशन फॉर द डे। आज हम लोग शाम को वापस मिलेंगे ऑन यूट्यूब एट 5:15 PM राइट। मेरे सभी जो चैनल का लिंक है, मेरा अन अकेडमी का पेज है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यू कैन फॉलो मी देयर फॉर मोर अपडेट्स एज वेल एज द टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक अगेन दिया हुआ है इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ठीक है। ऑल राइट कूल देन एवरीबॉडी, आप सभी लोगों से विदा लेते हैं, दिस इज खुशवंत पतनानी साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय, सी या। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, अन अकेडमी, लेट्स क्रैक इट।